हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यम् नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती निर्विशेष प्रचारिशून्यवाद पश्चात हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो श्री अदत गदाद श्रीवासादि गौरभक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे <coughs> हरे कृष्णा तो आज हम लोग जो है वो आठवें अध्याय से शुरू कर रहे हैं तो जो है अः तो अः ये जो ये वाला जो अध्याय है अभी हम लोग आठवें अध्याय की चर्चा करने वाले हैं तो सातवां जो अध्याय है वहां पे हम लोग ने चर्चा किया था कि कृष्ण भगवान ने भगवान कृष्ण ने जो है उन्होंने तीन और व्याख्याओं का इंट्रोडक्शन किया था भूत आदि यज्ञ और आदि देव तो अब ये जो आठवां वाला अध्याय है जो आ, आठवें अध्याय में अर्जुन इस प्रश्न से शुरू करता है कि ये आदिभूत आदि यज्ञ देव ये, ये क्या है इनके मतलब इनकी व्याख्या क्या है ये प्लीज आप मुझे बताइएगा और भगवान कृष्ण जो है इसका उत्तर देते हैं और जो आदि देव है ये देव बहुत बड़ा बड़ा बड़े चर्चे पे एक्चुअली रुक जाता है और ये पूरा जो अध्याय है ये आदि देव पर ही पूरा टिका हुआ है और जो है अः ये प्रश्न उत्तर तो आठवें श्लोक पे ही रुक जाता है आ, लेकिन इसके जो उत्तर है वो पूरे पूरे अध्याय में चलते जा रहे हैं तो अः पहले पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान जो है न, उत्तर दे रहे हैं और फिर जो है आ, इसके बाद जो है आ, ये वाला जो अध्याय है कि खास करके जो है कृष्ण स्मरणम के बारे में कृष्ण स्मरणम मृत्यु के समय में उसके बारे में खास करके इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे भगवान का स्मरण मृत्यु के समय में किया जा सकता है और कैसे परम सत्य को पाया जा सकता है इसलिए प्रभुपाद ने इस अध्याय का अगर आप देखोगे शीर्षक दिया हुआ है भगवत प्राप्ति है ना और इसलिए हालांकि इसके और भी शीर्षक है जैसे अक्षर ब्रह्म योगा और अक्षरम परम ब्रह्मम लेकिन प्रभुपाद ने भगवत प्राप्ति के लिए ये दिया गया है ये तो आइए देखते हैं कि क्या प्रश्न किए हैं अर्जुन ने तो कहते हैं अर्जुन वाच किम ब्रह्म किम आद्यत्मा किम कर्मा पुरुष उत्तम आदिभूतं च किम प्रोक्तं आदि देवं किमुच्यते भगवान है पुरुषोत्तम ब्रह्मा ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है सकार कर्म क्या है यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है कृपा करके यह सब मुझे बताइए इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं भगवान कर्म भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं श्रीमद भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है वैदिक कोश निरुक्त के अनुसार आत्मा का अर्थ मन आत्मा शरीर तथा इंद्रिया भी होता है अर्जुन परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु तो परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं तो जैसे कह रहे हैं ना कि किम तद ब्रह्मा ब्रह्म क्या है आध्यात्म कि किम, अनुष्का तो को पाले हाँ किम आध्यात्मम आध्यात्म क्या है किम कर्म कर्म क्या है आ, हे, हे पुरुषोत्तम तो अभी इसलिए अर्जुन जो है पूछ रहे कि आप पुरुषोत्तम हो परम भगवान पुरुषोत्तम हो आप मुझे बताइए अर्जुन जानते थे कि भग ये जो है मेरे मित्र ही नहीं है लेकिन ये परम भगवान पुरुषोत्तम भी है तो कहते हैं कि आप जो है पुरुषों में उत्तम हो आप सबसे बेस्ट हो और आप जो है आप निपुण भी हो आप कॉम्पिटेंट भी हो और आप मुझे बताइए तो आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिभूतम क्या है आदिदेवम किम उच्चते आदि आदि देवम क्या है तो ये जो है ये जो शब्द है Uh, इन्होंने जो है सातवें अध्याय के आखिरी में उनतीस और तीस श्लोक में इस्तेमाल किए थे तो ब्रह्म आध्यात्म कर्म इनका जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और आदि भूत और आदि दैव इनका भी इंट्रोडक्शन जो है वो तीसरे श्लोक में हो रहा है अब की, कोई ऐसे सोच सकता है अः क्या मतलब है कि ये सब प्रश्न पूछने का कि कर्म क्या है हमें तो पहले से ही पता है कि कर्म क्या है क्योंकि तीसरे अध्याय और आ, तीसरे अध्याय और पांचवे अध्याय में हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया हुआ है लेकिन ये जो शब्द है ना कर्म ये शब्द कर्म जो है गीता में बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत बार आया भी है और बहुत बार आएगा भी लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है ये पूछ रहा है इसके संदर्भ में जब उसने सातवें अध्याय के उनतीसवें श्लोक में पूछा था कि आध्यात्म कर्मम तो जो है अः कृष्णा ने जो है ना उस वक्त जो है उस श्लोक में बड़े दिलचस्प रूप से इसका इस्तेमाल किया था कह रहे जरा मरण मोक्ष माम आश्रित तंतिते तद ब्रह्म तद विधु कृष्णम आध्यात्म कर्म चाखिलम तो उन्होंने कहा जरा मरण मोक्ष तो जो है अः Uh, अगर हमें बुढ़ापा जरा और uh, मोक्ष मरण से अगर हमें मोक्ष पाना है और कह रहे कि माम आश्रित या तंती है लेकिन जो मेरी शरण में लेते हैं फिर वो लोग क्या ट्राई करते हैं वो क्या प्रयास करते हैं तद ब्रह्म तद विदु अः तो वो जानते हैं कि ब्रह्मन क्या है और वो ये भी जानते हैं कि वो खुद ही ब्रह्मन है तो आध्यात्म कर्म चाखिलम तो कह रहे हैं कि उनके जो जितने भी जितने भी कार्य है कर्म है जो वो क्या हो जाते हैं वो दिव्य हो जाते हैं तो इसलिए जो है यहाँ पे ये जो शब्द है कर्म बहुत दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया है और फिर कृष्णा जो है कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है तो अब जो है अगले वाले श्लोक में जो है अः कह रहे हैं कि फिर कर्म क्या है आइए हम लोग अगले वाले श्लोक में देखते हैं आदि यज्ञ कथम क अत्र देहो अस्मिन मधुसूदना प्रायाण काले च कथम नियत आत्म भी हे मधुसूदन यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्रिय इंद्र या विष्णु हो सकता है विष्णु समस्त देवताओं में जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था वस्तु तो ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है अर्जुन के मन में नहीं उठने उत, चाहिए थे क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है क्योंकि कृष्ण असुरों के के मारने में सिद्ध हस्त अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर देते हैं आसुरी शंका मतलब क्या पता है आसुरी शंका मतलब आप भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं जहां जहां आप भगवान के अस्तित्व को नकारोगे और और भगवान की आलोचना करोगे वही सारे आसुरी आशूर, शंकाएं हैं। इस श्लोक का प्रा, आ, प्रायण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी दशा क्या होगी मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दिशा में नहीं रहता इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरणम न कर सके परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हे hey भगवान इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूं अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलो रूपी नाल में के भीतर प्रविष्ट हो सके यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुष्पों को उतरने में आनंद का अनुभव करता है इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी किंतु यदि मुझे अपने सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ी तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा मेरा गला रुद जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जब कर पाऊंगा या नहीं अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मार जाने दे सॉरी मर जाने दे अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों को करण चमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है तो देखिए अः यहां पे इस वाले जो श्लोक में कह रहे हैं कि अः आदि यज्ञ आदि यज्ञ कह रहे आदि यज्ञ कथम को अत्र है ना ये आदि यज्ञ क्या है कथम को अत्र देह में मधुसूदना और ये कैसे रहता है और तो प्राय एक्चुअली ये समझ जाते कि वैदिक जो वैदिक शास्त्र है या वैदिक पद्धति है या सभ्यता है कि वहां पे एक परम भगवान है जो आपके शरीर में रह रहे है तो इवन गोपिया भी जो है गोपी गीत में कहते हैं कि अंतर आत्मा है ना तो अः कि आप जो है अंतर आत्मा में बैठकर देख रहे हो तो अः अः कि जो कुछ भी आप अंतर आत्मा से देख रहे हो और आप इसका निरीक्षण भी कर विटनेस भी हो आप साक्षी भी हो आप इसके तो वो जो है यहाँ पे वैसा ही कुछ मिलता जुलता प्रश्न पूछ रहे है देहस्मिन मधुसूदना तो ये जो परम सत्य है या परम भगवान है ये हमारे शरीर में कैसे विराजमान है कैसे रहते हैं तो कह रहे कि प्रायण काले है ना काले जब कथम तो प्रायण काले मतलब क्या मृत्यु के समय है, है ना और कह रहे हैं कि अः नित्य आत्म भी यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कैसे इस व्यक्ति को जान सकते हैं कैसे परम सत्य को जान सकते हैं मृत्यु के समय में तो जो सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में कृष्णा ने उन लोगों के बारे में बताया है जो उनका स्मरणम करते हैं और मृत्यु के समय तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु के समय में ही आपका स्मरण करे तो वैसे तो एक्चुअली जब अर्जुन कोई प्रश्न पूछता है तो कृष्णा जो है आ, आ, उसकी सराहना करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं तो यहाँ पे अः अर्जुन जो है आ, और अर्जुन भी जब भगवान को संबोधित करते हैं ना तो उन उनकी सराहना करते उनकी प्रशंसा करते हुए इसलिए आप देखिए यहाँ पे शब्द आया है मधुसूदन है ना तो मधुसूदन मधुसूदन पे इस्तेमाल किया है और पह, इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है पुरुषोत्तम किया तो भगवान के गुणगान करने के बराबर ही है कि गुणगान कर रहे हैं उनके तो कह रहे कि आप जो है मधु नामक राक्षस का वध करने वाले हैं और जो है मेरे मेरे भी मन में बहुत सारी शंकाएं शंकाए है और मेरे में भी वो समझ नहीं है और आ, मेरे भी हृदय में बहुत सारी शंकाए है जिस तरह आपने आ, जो है मधु नामक असुर को मार दिया लेकिन मेरे में भी शंकाओं के बहुत सारे असुर है वो भी आप जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए जैसे आप राक्षसों को क्लियर करते हैं तो आप मेरे भी मन में बहुत सारी शंकाएं रूपी जो राक्षस है वो विराजमान है उसको भी आप दूर कर दीजिएगा तो अब जो है आगे भगवान अः बोलना शुरू करते हैं तो कह रहे कि श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव स्वभाव उच्चते भूत भाव उद्भव कर विसर्ग अध्यात्म उच्चतेम संगित भगवान तो कह ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है तो कह रहे ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य इसका विधान कभी भी नहीं बदलता किंतु ब्रह्मा से पर परे ब्रह्म, परब्रह्म होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव और पर अर्थ है भगवान जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है टू लॉर्ड इट ओवर द मटीरियल नेचर किंतु आध्यात्मिक चेतना यहाँ कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है भौतिक जगत में वो क्या कर रहा है पदार्थ पर प्रभुत्व पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जब उसकी चेतना जब आध्यात्मिक हो जाती है तो फिर वो क्या होता है परमेश्वर में स्थित होते ही है कृष्ण भावनामृत में उस उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार के विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं यह भौतिक चेतना का कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म ब्रह्म कहा जाता है किंतु उसे कभी पर ब्रह्म नहीं कहाता कह, कहा जाता जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति में मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है इसलिए परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाता है कौन जीव भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है भौतिक प्रकृति में वह चौरासी लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है छंडक उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है यज्ञ की वेदी में पांच अग्नियों को पांच प्रकार की आहुतियां दी जाती है ये पांच अग्नियां स्वर्गलोक, बादल पृथ्वी मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है और श्रद्धा सोम वर्षा अन्न तथा वीर्य ये पांच प्रकार की आहुतियां है यज्ञ प्रक्रिया में जब मैं जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है जब यज्ञ का पुण्य शीन हो जाता है तो वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे वह वीर्य में परिणित हो जाता है होता है जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है भगवत गीता में निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण ये कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता और इसके समर्थन में वे गीता के पंद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक को उदृत करते हैं इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंज भी कहते हैं। भगवान का यह जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, परमेश्वर कभी भी नीचे नहीं गिरते इसलिए भगवान का एक नाम है अच्युत जो अपने वचनों से अपने कार्यों से अपने अस्तित्व से कभी भी नीचे नहीं गिरते हैं वो अपनी स्थिति में अडिंग है अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है तो अभी ये वाले जो तीसरे श्लोक में जो है भगवान क्या कह रहे हैं अगर हम श्लोक फिर से देखेंगे तो एक ना, तो, तो कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अक्षरम ब्रह्म परम तो आ, ये थोड़ा जैसे ना क्या टेक्निकल सेक्शन है भगवदगीता का और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे व्याख्यान आएंगे और वैसे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो अलग अलग आचार्यों ने भी कहे हुए है और अलग तरीके से भी समझाया हुआ है और जो है बहुत बहुत अलग अलग बोलते विभिन्न प्रकारों से जो है आचार्यों ने ये समझाया है तो हमें समझना है कि गीता एक दिव्य किताब है और साथ साथ ही जो है वो बहुत ही ऐसी किताब है जहाँ पे एक एक विशेष सभ्यता के अंदर कही गई है एक विशेष समय पे और आ, और कुछ ऐसे शब्द जो है वो बिल्कुल विशेष समय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं या इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे और जो है इन सभी व्याख्याओं का जो स्पष्टीकरण है वो आध्यात्म के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण किया गया है इसका ठीक है तो अर्जुना कह रहे हैं मतलब सॉरी पूछ रहे हैं कि क्या मैं ज्ञान योग का अभ्यास करूं क्या मैं कर्म योग का अभ्यास करूं क्या मैं भक्ति योग का अभ्यास करूं लेकिन एक्चुअली में अर्जुन तो कर्म योग ज्ञान और भक्ति योग के बारे में जानता है और उन्होंने बहुत सा ये ज्ञान भक्ति योग, योग देखा भी हुआ है और आ, आ, उन्होंने समझा भी है इन, इन सभी को है ना क्योंकि तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में पांचवे अध्याय में इन सबके बारे में ऑलरेडी बता दिया है आ, तो कृष्णा जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि जो है ये जो वैदिक साहित्य है ये क्या करता है ये जो है लोगों को एकत्रित यानी एकता प्रदान करता है और जो है भगवत गीता में जो है बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो 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 बार भी आएंगे जिनकी बार स्पष्टीकरण भी की जाएगी इनको और शिला प्रभुपाद जो है आप देखो प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत सारा टेक्निकल चीजें नहीं होंगी प्रभुपाद इन चीजों को बहुत आसान कर देते हैं और क्योंकि जितना भी हम इन अक्षरों के स्पष्टीकरण में जाएंगे ना तो ये तो आध्यात्म का जो बोलते हैं ना कि ज्ञान जो है 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 बहुत ही विशाल है, स, विशाल समुद्र की तरह है। तो हम जो है हमें सिर्फ कह, कहाँ पे फोकस करना है हमें वही फोकस करना है जहाँ पे उसकी बोलते हैं ना रेलिवेंस हो या जहाँ पे उसकी जरूरत हो वहीं पे हम लोग फोकस करते हैं और फिर जो है उसकी तो कहते हैं ना कि आ, वो वाला श्लोक भागवतम में है ना धर्म अः धर्म विश्वक पुमसा विश्वक्सेना कथा यह नोट पद्य यदि रतिम श्रम एव ही केवलम तो आ, ये जितने भी वैदिक साहित्य है या वैदिक ग्रंथ है इनको पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि जो है धर्म प्रति, प्रति अगर आपकी रति नहीं आई है तो आपका क्या है श्रम एव ही केवलम तो अगर हम हमारा आकर्षण भगवान कृष्ण की तरफ अगर नहीं बढ़ाते हैं इन वैदिक साहित्य को पढ़ के या आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ के तो फिर क्या होगा श्रम एवही ही केवलम अब जो है अः हम सोच सकते हैं कि क्या मैं भगवत गीता जो पढ़ रहा हूं तो क्या मैंने अपना सारा समय गवा दिया नहीं नहीं गवाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है कह रहे कि नहीं हमें भगवत गीता पढ़ना ही है और पढ़कर क्या होने वाला है क्योंकि गीता के बहुत सारे टिकाए हैं आप देखो कि माधव संप्रदाय में श्री संप्रदाय में भगवत गीता सात सौ टिकाए की गई है लेकिन जो है माधव संप्रदाय में ब्रह्म माधव सं गौड़े संप्रदाय में ही आ, जो है आ, जो है आ, एक व्यक्ति को जो है गीता मिली है ना और आ, उसको लगा कि अरे ये तो भागवतम के पहले स्कंद से भी बहुत बड़ा है और इतना बड़ा है और फिर इतना कुछ जो है और इसमें इतने सारे संस्कृत के शब्द भी है सब कुछ है और उसमें माधवाचार्य की भी कमेंट्री है और इतना कुछ बहुत सारे बड़े बड़े शब्द भी है इसके अंदर तो अः माधवाचार्य की जितनी भी टीकाएं हैं और दूसरे जितने भी आचार्य की टिकाए है और तो इसलिए जो है अः कहते हैं कि जो पहला और दूसरा अध्याय है ना इतना बड़ा हो गया है तो इस तरह जो है आ, ये जितनी भी टिकाए है और जितना हम लोग अगले अगले प्रभुपाद चाहते थे कि भगवत गीता सिर्फ आ, आ, भक्ति शास्त्री में आ, ही न आ, आ, भक्ति शास्त्री में भी नहीं पढ़ा जाए लेकिन भक्ति वैभव में भी पढ़ा जाए भक्ति सर्वभव में भी भगवत गीता पढ़ी जाए क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक फाउंडेशनल बुक है फाउंडेशनल बुक यानी क्या ये ये किताब जो है ये सारे किताबों की नींव है इस सारे शास्त्रों की नींव है और भगवदगीता जो है भगवान से अभिन्न नहीं है भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है कृष्णा जो है बारंबार बता रहे हैं कि कैसे आप कृष्ण और तो आपके सामने प्रकट करेंगे धीरे धीरे प्रकट करें जितना हम भगवान को समझने की कोशिश करते पढ़ते हैं उनके निकट जाते हैं तो हमें धीरे धीरे भगवान के भगवान दिखाई दे देने लगते हैं और अः कहते नंते ये, ये जिस जिस मात्रा में हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं या उनकी सेवा करते हैं या उनके निकट जाते हैं तो उसी मात्रा में भगवान भी हमारी तरफ आ रहे हैं तो इसलिए जो है ये जितने भी शास्त्रीय समझ है ये सिर्फ हमारा जो है भगवत गीता के लिए हमारा अप्रिसिएशन जो है या आ, हमारी भगवान के लिए भगवदगीता के लिए सराहना और करेगी और इसलिए जो है भगवदगीता के टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे जहाँ पे हम भगवान के और निकट जा सकते हैं उनकी सेवा करते और हमारी श्रद्धा आ, हमारी रति भगवान के प्रति और बढ़ जाएगी तो और हम उसी तरह आ, उसकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे तो न, आ, अगर आप देखो कि इसलिए जो है कह रहे कि आ, किम अः किम त्रह्म किम आध्यात्म पुरुषोत्तम तो ब्रह्मा जो है कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि है ना तो ये जितने भी निराकारवादी लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मैं ही वो ब्रह्मन हूँ है ना लेकिन वैष्णव आचार्य कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मन है ये पर ब्रह्म नहीं है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस स्क्रीन पे यहाँ पे ब्रह्म है और परम भी है तो एक ब्रह्म है लेकिन एक पर ब्रह्म भी है तो अगर जीव ब्रह्म है लेकिन उसके ऊपर भी एक पर ब्रह्म है वो परम नहीं है तो परम परम ब्रह्म जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है और भगवान कृष्ण जो है वो दिव्य है और इसलिए जो है ये वाला जो है सिर्फ ब्रह्म के, के बारे में कह रहे हैं वो जो है वो जो जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्मा मैं एक्चुअली एक आध्यात्मिक हूँ गुणों में है ना मेरा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है गुणों में मैं आध्यात्म हूँ तो इसलिए जो है ये जो शब्द ब्रह्म है बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं और आत्मा की बहुत सारे अक्षर तो अक्षरम ब्रह्म परम तो परम जो है वो है दिव्य है और भी आप देखो तात्पर्य में यही कहते हैं कि ये जो जीवात्माएं है जीवात्मा है अविनाशी ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता है तो इसलिए जो है ये जो अः जो अविनाशी तथा नित्य ये जो जीवात्मा है ये भ्रमण कह जाते और प्रभुपाद इसलिए जो है ब्रह्म जो है ये जीवात्मा के लिए आ, संबोधित कर रहे हैं और इसलिए जो है ब्रह्म जो है पर आ, इसलिए कुछ कुछ आचार्य है जो ब्रह्म को परम ब्रह्म भी कहते हैं लेकिन यहाँ पे विशेषता जो है वो ब्रह्म जो है वो जीवात्मा के लिए कहते तो फिर इसलिए आप देखो ना कि ब्रह्मा ने भी क्या कहा था कि तेने ब्रह्म तद विदूपृष्टम आध्यात्मिक तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो जीवात्माए माम आशित यतंतीते जब वो मेरी शरण लेते हैं तो फिर क्या है अह अह हम कब शरण लेते हैं क्योंकि उनको जरा है मरण है मोक्ष है उनको एक इच्छा है कि हमें बुढ़ापा मृत्यु इससे जो है छुटकारा पाना है तो तब वो जो है इस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति में पुनः स्थित हो जाते हैं इसलिए अक्षरम ब्रह्म परम कह रहे कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है वो जो है अक्षर अक्ष, अ, अक्षर ये ना अविनाशी अक्षरम है ना अविनाशी ये अविनाशी कौन है ये जीवात्मा है है ना तो इसलिए जो है अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव आध्यात्मिक उच्चते प्रभुपात ने कहा है कि स्वभाव जो है हमारा शाश्वत स्वभाव है तो कहते हैं कि और हमारा शाश्वत स्वभाव क्या है आध्यात्म है और फिर जो है प्रभुपात कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक स्वभाव है और ये जो है ये स्वभाव जो है वो बहुत स्वाभाविक है कि जीव जो है स्वभाविक की भगवान की सेवा करेगा स्वभाव से जो है वो भगवान की सेवा ही करने के लिए बना हुआ है और इसलिए जो जो है जो है कह रहे हैं कि ये हमारा शाश्वत स्वभाव है और स्वभाव कहते हैं कि फिर कह रहे हैं कि भूत भाव उद्भव कर तो जीवो के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला है तो अः स्वभाव तो कह रहे हैं कि ये कौन सा आ, कौन सा अः बोलते ना कि शरीर उत्पन्न करेगा फिर यहाँ पे तो भौतिक शरीर है लेकिन जो कोई भी भगवान की शरण लेगा तो उसको कौन सा आ, फिर से शरीर मिल जाएगा उसको आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा तो इसलिए जो है आ, कह रहे हैं कि आ, जो है प्रभुपाद भी जो है चांडक के उपनिषद से भी कह रहे हैं कि आ, जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि आ, पांच प्रकार के जो है बोलते हैं ना कि यज्ञ होते हैं या हम कुछ ऑफर करते हैं जैसे अग्नि है या फिर जो है पृथ्वी है और फिर स्वर्ग लोग है बादल है और तथा रूप मानी जाती है और श्रद्धा सोम वर्ष वर्षा अन्न तथा वीर के पांच प्रकार की आहुतियां भी दे रहे हैं तो ये जो है कुछ विशेष अगर यज्ञ किए जाते हैं तो हम जो है वो आ, स्वर्ग लोग पहुंच सकते हैं लेकिन भगवान बारंबार आप देखो कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो जे क्या बोलते हैं कि ये जो यज्ञ है अगर जीवात्मा एक विशेष प्रकार का यज्ञ करता है तो वो आ, स्वर्ग लोग जा सकता है और आ, जब और लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके पाप पुण्य का जो पुण्य का जो खाता है वो अगर समाप्त तो हो जाता है तो वो फिर से कहा पहुंचता है इस भौतिक धरती पे पहुंच जाता है और किसके रूप में पहुंच जाता है वर्षा के रूप में और फिर वो जो है वो अन्न का रूप लेता है फिर अन्न मनुष्य खाता है और फिर फिर वो वीर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर किसी स्त्री के गर्भ में जाता है और फिर से उसको मनुष्य जन्म मिलता है तो ये जो है चक्र चलते रहता है चलते रहता है तो अब जो है अब यहाँ पे जो है कुछ और आगे जो है भगवान कुछ और चीजों की व्याख्या करेंगे आगे वाले श्लोक में तो कह रहे हैं क्योंकि आप देखो ब्रह्म मतलब क्या जीवात्मा आध्यात्म मतलब क्या स्वभाव कर्म मतलब क्या कि जो हम लोग कर्म करते हैं जिसके माध्यम से हमें पाप और पुण्य का आ, हमारा चिट्ठा खुलता है और फिर हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं और आदि भूत मतलब क्या आदि भूत मतलब प्रकृति प्रकृति मतलब क्या जो हमेशा बदलती रहती है है ना, ना इस भौतिक जगत में और ये प्रकृति में भी क्या है पृथ्वी जल वायु आकाश ये सारे भौतिक तत्व है और आदि देव कौन है आदि देवत्व अभी आदि देवत्व फिर यहाँ पे कहा गया है आइए देखिए आदिभूतक्ष भाव पुरुष अः आदि देवतम आदि यज्ञो अहम मेवात्र देह देहांबर हे देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है आदि देव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तन होते रहती है सामान्य भौतिक शरीर को छह अवस्थाओं में निकलना होता है वे उत्पन्न होते हैं बढ़ते हैं कुछ काल तक रहते हैं कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं क्षीण होते हैं और अंत में वे विलुप्त हो जाते हैं यह भौतिक प्रकृति आदिभूत कहलाती है यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है परमेश्वर का विराट रूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित है आदि देवत कहलाती है प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश रूप है यह परमात्मा अधिक्य कहलाता है और हृदय में स्थित होता है इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान बदल बदल सॉरी बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलाप का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है है ना अगर आपको स्वतंत्रता ही नहीं दी गई तो फिर क्या फायदा है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है तो क्या है भगवान साक्षी है और निगरानी रखते हैं सिर्फ निगरानी रखते हैं तो उपदेक्षता और अनुमनता उपदेक्षता यानी सिर्फ निगरानी रख रहे अनुमंता यानी क्या सैंक्शन करते हैं आपकी इच्छा के द्वारा परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावना भावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है आदि देवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव विधि उन नवधि दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट स्वरूप का चिंतन करें जिससे पांच अधो लोक है जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र है और जिसका सिर उच्च लोक है तो अगर आप देखोगे इस चौथे अध्याय में जो है सॉरी चौथे श्लोक में जो है और भी व्याख्याएं दे रहे हैं जो है आदिभूतम अक्षरो भावम तो है भगवान का एक जो प्राकट्य रूप जो है जो जो वास्तव में फिजिकल रूप है उनका तो जो है वो बता रहे हैं वो विराट रूप है और एक जीव का भी अपना एक स्वरूप है है ना और कृष्णा ने यहाँ पे अक्षरम ब्रह्म परम इस्तेमाल किया है तो ये ब्रह्म क्या है तो उन्होंने कह रहे हैं कि ये ब्रह्म जो है वो अक्षरम है और फिर जो है अः uh, यहाँ पे आदि देव यानी विराट रूप के बारे में बताया है विराट रूप यानी क्या भगवान का जो वो रूप है पे सारी देवी देवता भी है सारे जितने भी नक्षत्र भी है सब कुछ और आदि यज्ञ आदि यज्ञ मतलब परमात्मा क्योंकि परमात्मा ही है वो जो सारे यज्ञों को जो है वो एंजॉय करते हैं और ये जो परमात्मा है वही सुपर सोल है जो मीन आत्मा के बगल में जो बैठे हुए है वही परमात्मा है और आदि यज्ञ तो कह रहे कि ये जो आदि यज्ञ है अ ये कैसे जाना जा सकता है शरीर में तो कह रहे हैं कि ये शरीर में हृदय में स्थित है और फिर ये जो है ये क्या करते हैं कि ये नियंत्रण भी कर रहे हैं और जैसे कि यहाँ पर किया है वो निगरानी भी रख रहे हैं यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है और फिर जो है उद्गम मतलब क्या उनको प्रेरणा देते हैं यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्य पर निगरानी रखता है तो कह रहे हैं अब जो है पूछ रहे हैं है ना कि आग, अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि त, तथा प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है परमेश्वर कहलाता हूं भगवान कह रहे हैं यहाँ पे तो कह रहे हैं कि कैसे कोई मुझे जान सकता है है ना अर्जुन जो है पूछ रहे हैं कि आ, मैं आपको कैसे जान सकता हूं उन्होंने पहले वाले श्लोक में बताया था प्रायण अः प्राए कालेन है ना तो उन्होंने कह रहा है कि अः कैसे मैं आपको जान सकता हूं तो अब जो है ये वाला जो प्रश्न है ना ये मेन ये मेन विषय है पूरे अध्याय का मेन सब्जेक्ट जो है वो यही है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तब ही जो है इन शब्दों को हम समझ पाते हैं इन शब्दों में जो कुछ भी हम गीता में पढ़ रहे हैं ना इन शब्दों को रियल मीनिंग तभी मिलता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं और वो समझता है कि मैं ब्रह्म हूं मैं जीव हूं और भगवान जो है वो आदि यज्ञ है और वही एकमात्र व्यक्ति है जो योग्य है जानने के लिए और फिर जो है बाकी जितने भी दूसरे आइटम है जैसे कर्म है या ये विराट रूप है या जो आपके इम्प्रेशन है वो सारे हमें रिजेक्ट करने हैं और अब जो है कृष्णा जो है अर्जुन को पांचवे श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि कैसे आप, मेरा कर सकते हो जब आप शरीर छोड़ रहे हो मृत्यु के समय में आप कैसे मेरा स्मरणम कर सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये श्लोक है ये पांच छ सात और आठ ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये हमारे मृत्यु के समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है तो कैसे हम भी मृत्यु के समय में ये सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कह रहे अंत काले स्मण मुक्त कलेवरम यह प्रयाति याति नास्त्य अत्र संशय और जी के अंत में जो सॉरी जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है इसमें रंच मात्र भी संदेहा नहीं है इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महानता दर्शित की गई है इसके इंपॉर्टेंस है जो कोई भी कृष्ण भावनामृत पे अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव भाव को प्राप्त होता है परमेश्वर शुद्ध ती शुद्ध है अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धति शुद्ध होता है स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत अभ्यास नहीं किया है अब हमें भक्ति में आ तो गए हैं लेकिन हम भगवान को स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर रहे तो कैसे अभ्यास किया जाए भगवान बताएंगे अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भान अमृत का अभ्यास करे इसलिए हम लोग बोलते हैं ना प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि कौमारम है बचपन से ही यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण का मंत्र का जाप करना चाहिए भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष समान सहिष्णु होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भाना मृत का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके तो आप देखिए ना क्या कह रहे हैं यहाँ पे अंत काले जमामेवम एवं है ना तो कह रहे अंत काल में अंत का मतलब मृत्यु के समय में अगर कोई मेरा माम एवं मेरा स्मरणम करता है तो क्या होता है स्मरणम मुक्तवा कलेवरम कोई मेरा सिर्फ मेरा मेरे अकेले का स्मरण करता है तो वो क्या हो जाता है मुक्त स्मरणम मुक्तवा कलेवरम मुक्त हो जाता है किस किससे हो जाता है मुक्त इस शरीर से मुक्त हो जाता है और फिर क्या करता है यह प्रयाति स मद यह प्रयाति मतलब क्या जब वो इस शरीर को छोड़ता है तो छोड़ने के समय में क्या करेगा वो भावम तो फिर मेरा जो है स्वभाव है उसको प्राप्त होगा याति नास्ति अत्र संशय इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरा ही स्वभाव को पाएगा तो यह प्रयति तो यह प्रयति मतलब क्या ऐसा व्यक्ति जो है मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा और इसमें कोई संशय नहीं है तो कृष्णा यहाँ पे इसलिए देखो प्रभुपाद ने इस लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है पहले ही स्टेटमेंट में फोका है प्रभुपाद ने बिल्कुल मैंने एकदम बोल ही बोला है कि क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है Uh, मेरा कोई स्वभाव प्राप्त करना चाहता है मेरा मेरे गंतव्य तक पहुंचना चाहता है मुझ तक कोई पहुंचना चाहता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें मृत्यु के समय में उनका स्मरणम करना पड़ेगा तो ये जो है मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तो ईशोपनिषद में भी है अः उपदेशामृत में भी है और प्रभुपात भी मुकुंदमाला में देखो कुलशेखर की भी प्रार्थनाएं कहते हैं और कितने सारे जो है प्रार्थनाएं है शास्त्र में कि कैसे जो है हम स्मरणन स्मरण तक पहुंच सकते हैं और कैसे स्मरणम हो सकता है जब तक हम भगवान को पूरी तरह अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि कहते हैं कि अः हमारा जो मन है वो भौतिक चीजों में भी बहुत रचा हुआ है लेकिन कह रहे कि कुलशेखर महाराज कह रहे कि मेरा मन जो है ना आपके चरण कमलों में जो है लगा रहे जैसे एक आ, आ, एक हंस को शहद मिलता है ना अः कहाँ शहद मिलता है कमल के फूल के बिल्कुल अंदर भीतर मिलता है है ना बिल्कुल अंदर से मिलता है बहुत जितना जितना अंदर जाता है वो अपनी जो गर्दन है वो अंदर घुसाता है बहुत ही मुश्किल है लेकिन उसको वही पे उसी तरह भगवान मैं मैं जो हूँ मेरा जो शरीर है या मेरा जो मस्तिष्क है मैं जो हूँ मैं भी आपके श्री चरणों में ही घुसा के रखो ताकि मैं इससे बाहर ना निकल सकू तो मैं इतना रम मेरा इतना रम मेरा अच्छी तरह से मैं इतना हो कि कि जो है कि, मुझे अगर कि अगर मृत्यु भी आ जाती है तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा और उसी तरह कह रहे हैं कि मैं भगवान में इतना रम जाऊ कि इसको कहते भौतिक मृत्यु लेकिन अः अः भौतिक मृत्यु मतलब क्या भौतिक मृत्यु मतलब जब आप भौतिक कार्यकलापो से जो है सारे अपने कार्य जो है इंद्र तृप्ति के कार्य हाँ इंद्र तृप्ति के कारण कार्य जो है आप बंद कर देते हो और जो है आध्यात्मिक कार्य जो है वो करते हो तो फिर जो है आप भगवान आपका मन जो है भगवान मिले तो कह रहे हैं कि आ, यह प्रयाति है ना तो यह प्रयाति समद भावम भाव तो अगर कोई ऐसे कर सकता है कि पूर्णतया भगवान में जो है वो मुग्ध हो जाए हो जाए और भगवान का स्मरण कर रहे मृत्यु के समय में तो कृष्णा कहते कि वो मेरे पास आ जाएगा और जो है कह रहे हैं ना कि हम लोग ना जनरली हम देखते नहीं है ऐसे कि क्योंकि हमारे पास है ना बहुत सारे शंकाए भी है और हमें जो है वो पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण भी चाहिए होता है तो लेकिन भगवान यहाँ पे न, गारंटी दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम संशय मत रखो तुम अत्र संशय आप संदेह मत रखो थोड़ा भी, भी संदेह मत रखो आप जरूर जो है आप मेरे पास ही आओगे और जो है अः अभी हम कैसे ये समझ सकते हैं संशय नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसे तो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आपको मदद करूंगा कृष्णा जो है अः यहाँ पे हमें फेल करने के लिए नहीं है बोलते ना कि कोई परीक्षा है क्योंकि कहते हैं ना कि मृत्यु परीक्षा की तरह है लेकिन कृष्णा हमें बोलते हैं ना कि परीक्षा में उतीर्ण करेंगे कृष्णा हमें फेल नहीं करेंगे हमारी परीक्षाओं में तो कह रहे हैं कि कृष्णा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें सिर्फ सक्सेस ही देंगे हमें फेलियर नहीं देंगे तो अगर हम भगवान के बारे में मृत्यु के समय में हम लोग सोच रहे हैं मतलब क्या कि हमने भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न किया हुआ है और जैसे मृत्यु का समय आता है क्योंकि मृत्यु का समय में बहुत ही दुखदा दुख दुख और विपदाओं से भरा हुआ होता है कभी कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सोच नहीं सकता मान लो अगर किसी को कैंसर है किसी के एक्सीडेंट के माध्यम से उसकी कोई वृत्यु हो जाती है तो फिर जो है कैसे हम भगवान को याद करेंगे हम्म और दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती है भगवान के प्रेम के अलावा तो फिर जो है अः तो फिर जो है हम जो है भगवान के बारे में जब हम सोचते हैं और जो है हम भगवान की शरण लेते हैं मृत्यु के समय में तो फिर बहुत ही स्वाभाविक है कि भगवान जो है हमें ऊपर उठा लेंगे उनके पास कृष्णा चाहते ही कि वो उन हम उनके पास आए कृष्ण बहुत ही आतुर है हमें अपने पास बुलाने के लिए और जो है आ, भगवान की आतुरता यही है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ मैं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि तुम कैसे वापस आ सकते हो इसलिए कृष्णा जो है हमें वापस ले सक वापस ले जा सकते इसलिए बोले अत्र संशय इसमें संशय मत रखना कृष्णा जो है चाहते हैं कि हम लोग जो है वापस उनके भगवत धाम आए निश्चित रूप से तो यहाँ पे कह रहे हैं स्मरणम मुक्तवा कलेवरम उन्होंने ये नहीं बोलता कीर्तनम मुक्तवा नहीं बोला है उन्होंने कोई मुक्त और कोई मुक्तवा नहीं बोला है उन्होंने कहा है अः उन्होंने ये नहीं मान लो जैसे कोई है ना आपके इस पे जो है आ, आपके मस्तिष्क पे गन रखी हुई है और उन्होंने बोला कि अच्छा बस तुमने जो है अभी बहुत आनंद उठा लिया है जस्ट तुम बोलो कृष्णा और फिर मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और तुम भगवत धाम जाओगे नहीं हम इस तरह से भगवान का कोई छल नहीं कर सकते हैं तो स्मरण मतलब आ, न, आ, मतलब क्या कि हम मृत्यु के समय में कृष्णा का स्मरणम में भी नहीं कर सकते हैं अगर हमने वह रति जो है या अटैचमेंट या आसक्ति अगर उत्पन्न नहीं करी है तो देखते हैं कि यहाँ पे आप देखो प्रभुपाद का सारा तात्पर्य किस पे है कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र पे किए और जो है प्रभुपाद हरे कृष्णा का महामंत्र दो बार उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पे और शिला कहते हैं कि सिर्फ महामंत्र के माध्यम से ही हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं तो इसलिए जो है महामंत्र को हमें पूरी जीवन अभ्यास करना पड़ेगा जब महामंत्र का पूरा जीवन हम अभ्यास करेंगे तभी मृत्यु के समय में भगवान का स्मरणम होगा तो कह रहे हैं कि आ, ऐसा नहीं है कि आ, आ, जो है एक बारी मैंने अगर हरे कृष्ण महामंत्र किया है तो मुझे भगवान का स्मरण नहीं पूरा पूरे जीवन अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा इसमें ना बहुत सारे अह जैसे ना सन्यासियों ने भी ये कहा गया कि जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लो एक दसवीं का बच्चा है वो परीक्षा देने वाला है अभी है ना लेकिन पूरा साल उसने अगर अभ्यास ही नहीं किया है अपने विषयों के बारे में तो क्या उसकी जो फाइनल एग्जाम है परीक्षा है तो उसमें क्या वो कुछ लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसने पूरी पूरा साल सिर्फ खेल कूद में ही बिता दिया है इंद्र तृप्ति में ही बिता दिया है तो मृत्यु के समय में मनुष्य को कैसे भगवान का स्मरण होगा मृत्यु के समय में कैसे अभी किसी चीज का अगर आपने अभ्यास ही नहीं किया है तो आप उसमें उत्तीर्ण कैसे हो सकते हो अगर सचिन तेंदुलकर ने अगर छ छ आठ आठ घंटे अगर बल्लेबाजी का अभ्यास नहीं किया है तो वो ग्राउंड पे जाके कहाँ पे छक्के और चौके लगाएगा हर क्षेत्र में अभ्यास करना बहुत जरूरी उत्तीर्ण होने में तो मृत्यु भी एक क्षेत्र है और उसमें भी हमें अभ्यास करना है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए तभी जाके मृत्यु के समय में जो है भगवान याद आएंगे तो फिर जो है आ, अगला वाला जो श्लोक है ना वो बताएंगे कि क्या एक जनरल लॉ है कि मृत्यु के अः के बाद आपको कौन सा गंतव्य मिलेगा हर एक व्यक्ति को मृत्यु के बाद अः कौन सा गंतव्य मिलता है कौन सा स्थान मिलता है क्या वो नर्क में जाता है क्या वो स्वर्ग में जाता है क्या वो भगवान के पास जाता है कहा जाता है उसका गणतव्य क्या है तो कह रहे यम यम वापी स्मरणम यम यम स्मरण 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 भाव तम तम देवेति कौंते सदा तद भाव भावित हे कुंती पुत्र शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरणम करता है वह उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है तो कौन से भाव में मैंने अगर मेरा शरीर त्याग दिया है यहाँ पर मृत्यु के समय में अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी अवस्था प्राप्त होती है हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए तो फिर कोई मन की मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय में एक हिरण का चिंतन किया अतः अगले जीवन में हिरन के शरीर में उनका देहांतरण हुआ यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा निसंदेह मनुष्य के जीवन भर की विचार संजित होकर मृत्यु के समय में उसके विचारों को प्रभावित करते हैं अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन जीवन बनता है। है अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय में उसे कृष्ण का स्मरणम बना रहे इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने की सहायता मिलेगी यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब सर्वश्रेष्ठ विधि है तो आप देखो प्रभुपाद भी जो है वो कितना बल दे रहे बार बार इस हरे कृष्ण महामंत्र पे और आप देखिए यहाँ पे भी जो है कह रहे हैं कि अगला शरीर भौतिक शरीर नहीं होगा अगर जो है अगला शरीर आध्यात्मिक होगा अभी मुझे याद है मैं कुछ दिन पहले है ना परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी तो उसमें वो बता रहे थे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है स्वर्ग से आया है इस धरती पे और कौन व्यक्ति जो नर्क से आया है इस धरती क्योंकि पुण्य खत्म हो जाते तो व्यक्ति वापस जो है इस धरती पे ही आता है उसके तो कह रहा है कि जिसकी जो है वो मधुर होगी जो बहुत दिखने में भी बहुत सुंदर होगा या आ, जो अपने कार्यकलापों में भी, भी किसी का मन नहीं दुखाएगा क्योंकि स्वर्ग लोक में ना जो जो लोग है उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है और वो अपनी वाणी से किसी का दिल भी नहीं दुखाते हैं वही नरक नरक से अगर कोई आया होगा वापस इस धरती पे तो वो बड़े कटु शब्द इस्तेमाल करेगा उसकी वाणी में भी जो है आ, आ, सिर्फ व्यक्ति मतलब जैसे ना इनडायरेक्टली किसी को वाणी के माध्यम से ठेस पहुंचाना या उसका शरीर सुंदर नहीं होगा या वो जो व्यक्ति है वो उसके उसके अंदर छल कपट बहुत रहेगा है ना तो ऐसा व्यक्ति जो है वो नर्क से आया हुआ है तो महाराज ये कह रहे थे तो हालांकि ये कृष्ण भावनामृत व्यक्ति पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो ऑलरेडी समझ जाना चाहिए कि उसने बहुत अच्छे पुण्य किए हुए हैं इसलिए वो कृष्ण भावना अमृत में आया हुआ है तो इस वाले श्लोक में अगर हम देखेंगे यम यम वापी तजेती अन्ते है यम यम वापी वापी कलेवरम, है ना? भावम यहाँ पे लिखा हुआ है सो कह रहे हैं कि भाव अः कौन से भाव में क्या हम स्मरण करते हैं मृत्यु के समय में तजेति अंत्य कलेवरम त्यजती है ना तो कह रहे हैं कि मृत्यु के समय में जब हम ये इस शरीर का परित्याग जब कर रहे हैं है ना आ, या हम शरीर को छोड़ रहे हैं तम तम एवति कौनते वही वही शरीर उसको प्राप्त होगा सदा तद भाव भावित तो ये भाव जो है ये दो बार आया हुआ है है ना और जो है अः अः तो यहाँ यह भाव शब्द पांचवें श्लोक में भी आया हुआ है ना अः यह प्रया यह, यह प्रयाति स मद भावम तो फिर जो है कृष्णा कह रहे हैं कि वो लोग मेरा स्वभाव प्राप्त करेंगे जो कोई भी मेरा स्मरणम करेंगे मृत्यु के समय में तो कृष्णा कह रहे हैं अः ये सबसे उत्तम उत्तम जो है आ, उत्तम प्रिंसिपल है प्रिंसिपल सिद्धांत है जब हम इसको लागू करते हैं कि आ, कि जो कुछ भी हम अः जिसका भी स्मरण हम करेंगे हमें उसी की प्राप्ति होगी तो जो जो भाव में मैंने जो जो भाव है मेरा मृत्यु के समय में मुझे वही प्राप्त होगा तो यम यम वापिस स्मरणम भावम तो भरत महाराज का जो है प्रोपात जो है वो दे रहे उदाहरण कि भरत महाराज ने भी शरीर छोड़ा और उन्होंने जो है एक हिरण का शरीर मिला उनको तम तम थी कौन थे या तो वही हमें मिलेगा क्योंकि भरत महाराज जो है मृत्यु के समय में उन्होंने किसका स्मरण किया था हिरण का तो अगला शरीर उनको क्या मिला हिरण का ही शरीर मिला और कह रहे है सदा, तद भाव तदभाव भावित तद भाव भावित मतलब क्या कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि भावित मतलब क्या स्मरणम करवा स्मरणम करना ठीक है ना और जो है धीरे धीरे क्रम में कह रहे हैं कि कह रहे कि जो ये ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना सूक्ष्म शरीर तो व्यक्ति समझ सकता है कि मेरा जो भूतकाल है और मेरा जो भविष्य काल है वो क्या होने वाला है मतलब क्या कि अगर मैं अपने सूक्ष्म शरीर को देखती हूँ और उसके अंदर सिर्फ काम वासनाएं भरी हुई है मतलब क्या कि मेरे भूतकाल में भी मैंने बहुत कुछ काम वासनाएं की हुई है इसीलिए मेरे पास ऐसे विचार है, है ना और इसलिए जो है ये विचार जो है वो कंटिन्यू करते जाएंगे और ये विचार आगे भी बढ़ते जाएंगे और आगे भी यही विचार होंगे और इसलिए मुझे अगले जन अगले जन्म में वही शरीर मिलेगा ताकि मैं मेरे काम वासनाओं की पूर्ति कर सकूं तो ये कह रहे हैं कि काम वासनाएं हो सकती है लेकिन हम कितना उन काम वासनाओं को इंपॉर्टेंस देते हैं या उनको एनकरेज कर रहे हैं या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या हम काम वासनाओं में और घी डाल रहे हैं और फिर उसको और प्रज्वलित कर रहे हैं या क्या हम काम वासनाओं का बिल्कुल जड़ रूप से हम लोग जो है उसको खत्म कर रहे हैं और जो है हम उस काम वासनाओं से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं तो कह रहे हैं कि तद भाव भावित तो सूक्ष्म रूप से जो है जो हम सूक्ष्म रूप से सोचते हैं हमें जड़ शरीर वही मिलता है सूक्ष्म शरीर से जो कुछ भी हम सोचते हमें जड़ शरीर वही मिलता है तो कृष्ण यहाँ पे एक सिद्धांत दे रहे हैं कि ये जो दो श्लोक है अंत काले माम एवं स्मरण मुक्त करे तो ये जो दो अः श्लोक, तो श्लोक है ये जो है कह रहे हैं ना कि ना कि अंत समय का कानून है ये जो कोई भी अः ना कि भाई गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का भी एक कानून है तो मृत्यु का भी एक कानून है भाई कि अंत समय में जो कोई भी आप कुछ भी याद करोगे तो आपको अगला शरीर वही मिलेगा तो फिर सूक्ष्म लेवल पे जो है आत्मा कौन सी चीज में ग्रस्त है और उस समय उसका क्या सोच है अगला शरीर उसको वही मिलेगा तो लेकिन उसके लिए जो है मुझे जो है बहुत प्रयास करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा ताकि जो है मैं जो है अभ्यास करना पड़ेगा भगवान का स्मरणम करने के लिए इसलिए प्रभुपाद ने रोज हमें सोला माला किया कहा हुआ है और फिर जो है भगवान का स्मरणम मृत्यु के समय करना पॉसिबल है अभी प्रश्न एक ये भी आ सकता है कि मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया मुझे कैंसर हो गया मैं कोमा में चला गया और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें मैंने पूरा जीवन जो है भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जब किया है और किसी कारणवश जो है मुझे भगवान का स्मरण नहीं होगा तो मेरा क्या होगा तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके मन में प्रवेश करके मैं उसको वो स्मरणम दूंगा उसकी जो मेहनत है इतने सालों की मैं वो बेकार नहीं जाने दूंगा और कभी कभी भगवान अपने भक्तों को बोलते ना कि निमित्त मात्रा बनाते हैं कि भाई देखो मृत्यु शुद्ध भक्तों के लिए भी इस तरह भयानक हो सकती है तो तुम भक्ति करो और इसलिए भगवान स्मरणम करवाते हैं इसलिए तो अः भगवान कह रहे ना कि मैं जबरदस्ती उनके मन में घुस के मेरा स्मरणम करवाऊंगा अगर किसी ने पूरा जीवन मेरा स्मरणम किया हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र जब करते करते मेरी सेवा की हुई तो फिर आगे कहते हैं कि अः अब जो है कह रहे हैं कि अः भगवान का स्मरणम कब कब करना चाहिए तो कह रहे हैं कि तस्माशु कालेशु मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धि मामम एवं असंशय तो कह रहे तस्मात सर्वेशु कालेशु तो आइए जरा थोड़ा तात्पर्य और अनुवाद ही पढ़ लेते हैं तो अतवे हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में, में मेरा चिंतन करना चाहिए कौन से रूप में कृष्ण रूप में है ना और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे तो अर्जुन ने अर्जुन को दया सॉरी दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है भगवान यह नहीं कहते हैं कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है जैसे मान लो मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मैं भगवान का नाम लेते लेते जा सकती हूँ मैं लिफ्ट में जा रही हूँ मैं चल रही हूँ मैं दौड़ रही हूँ मैं मंदिर तक पहुंच रही हूँ मैं ऑफिस तक पहुंच रही हूँ मैं सब्जी मंडी तक पहुंच रही हूँ मैं दवा खाने तक पहुंच रही तो भगवान का स्मरण तो मैं कर ही सकती हूँ लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए इससे मनुष्य भौतिक से मुक्त हो जाएगा भौतिक कलमश भौतिक कलमश क्या है जो हमें भगवान से दूर करते रहते हैं और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा कृष्ण का नाम जब करने से मनुष्य परम धाम लोक को प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं है देखो कृष्णा का स्मरण है ना करने के लिए ना सबसे सर्वोच्च अच्छा उदाहरण अगर आप देखोगे ना तो गोपियों का उदाहरण है गोपिया कुछ भी कर रही है जैसे माता यशोदा म, आ, आ, वो अपना माखन का कर रही है तो वो मंथन करते समय जो है भगवान का ही कार्यकलापों का गुणगान कर रही है या कुछ भी कोई भी कार्य कर रही है गोपी तो वो जो है उसको जो है भगवान का ही गुणगान चल रहा है ये सारी गोपियां जो है विवाहित स्त्रियां थी ये गृहस्थ थी ये सन्यासी नहीं थी तो इसलिए हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि अगर मैं सन्यासी बनूंगा तो ही मैं भगवान का अच्छी तरह से नाम ले लूंगा या सब कुछ विरक्त विरक्ति के मार्ग पे चलूंगा तो ही मैं भगवान का अच्छी तरह से नाम लूंगा नहीं आनंद तो उसी में है कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो है मैं भगवान का नाम ले सकू जैसे एक स्त्री है उसका कोई प्रेमी है विवाहित स्त्री का भी एक प्रेमी उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं तो वो क्या करती है मन उसका जो है रसोई करते वक्त श्रृंगार करते वक्त झाड़ू लगाते वक्त साफ सफाई करते वक्त बार बार उसके प्रेमी की तरफ है तो वो अपने घर के कार्य इतनी अच्छी तरह से करती है कि सास ससुर पति को भनक भी नहीं पड़ती है कि इसका किसी के साथ और चक्कर चल रहा है उसी तरह एक भक्त भी जो है चिंतन भगवान का चल रहा है लेकिन अपने भौतिक जितने भी नियमित कर्म है वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है और इसलिए जो है आ, कह रहे हैं कि तस्मात सर्वेशु कालेशु तो तस्मात सर्वेशु कालेशु मतलब क्या कह रहे हैं कि आ, हर समय हर समय कालेषु कि हर समय मनुस्मरो युद्ध च तुम मुझे मेरा स्मरणम करो और युद्ध करो और जो है आ, अब यहाँ पे है ना भगवान जो है क्रम में जो है आप अपनी भक्ति को कैसे और गहरा कर सकते हो हाउ कैन भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा जो भी, भी कर्म कर रहे हो तुम कर्म करो लेकिन कर्म के जितने भी फल है मुझे अर्पित करो ताकि जो है अः जो है ये अगर आप जो अर्पण कर रहे हो तो क्या है कर्म करने के बाद आप कुछ अर्पण कर पा पाओगे लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि पहले तुम मेरे बारे में सोचो और फिर तुम कार्य करो तो जो है अः ये नहीं कह रहे कि कर्म करने के बाद मेरा करो है ना कर, कि भाई कर्म करने के बाद तुम मुझे समर्पित हो जाओ या फल मुझे अर्पित करो नहीं ये पहले ही बोलते ना प्री एक्शन है स्मरणम का प्री एक्शन यही है कि अः माम अनुस्मर युद्ध तो पहले तुम मेरा स्मरण करो पहले तुम मुझे आ, मुझी को स्मरणम करो और फिर युद्ध करो तो कृष्णा अच्छा हम जो है भगवान को है ना क्यों स्मरणम करते हैं क्योंकि जो है आ, इसलिए नहीं कि वो जो है फल है हमारे यज्ञ का या हमारे अर्पण करने का नहीं क्योंकि हम भगवान का स्मरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो है मेरे हृदय के स्वामी है और वो मेरे सर्वस्व है और मैं जो कुछ भी करूंगी जैसे बोलते हैं ना मैं उनका दांस हूं और वो मेरे स्वामी है तो मेरे सारे कार्य क्या होंगे उनके लिए तो होंगे राइट और फिर जो है अः वही मेरे सब कुछ सर्वस्व है मैं जो कुछ भी करूंगा या करूंगी मैं सिर्फ उन्हीं के लिए करूंगी और जो है आ, मैं अगर युद्ध भी कर रही हूं या कर रहा हूं अर्जुन कह सकता है या मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ मैं तो सिर्फ उन्हीं के लिए करूंगी तो जैसे यहाँ पे अर्जुन जो है अर्जुन का क्या है कि उसका जो है नियत कर्म क्या है युद्ध करना और अलग अलग लोगों के लिए भी अपने नियत कर्म रहेंगे है ना तो जो कुछ भी नियत कर्म है तो हम वही करेंगे लेकिन कह रहे माँ मानुष पर युद्ध च तो इस तरह से जो है हम अपने आप को ही पूर्णतया समर्पित करते हैं कृष्ण को और अपने नियमित कर्म भी कर रहे हैं और हमारे जितने भी नियत कर्म है अपने आप ही कृष्ण की तरफ लगे रहेंगे या मुड़े रहेंगे तो क्या है पहले कृष्ण को स्मरणम करना है और फिर मैं अपना नियमित कर्म कर रही हूँ तो क्या होगा अरे बहुत ही मतलब जबरदस्त है ये फिर से मैं दोहरा रही हूँ अब हम लोग जनरली जब कोई कर्म करते हैं ना तो हम हमारी ये ये नहीं है हमारा स्वभाव नहीं है कि हम ये जो कर्म में कर रही हूँ भगवान को अर्पित करूंगी लेकिन हो क्या रहा है अगर मैं पहले स्मरणम कर रही हूं और फिर मेरा नियमित कर्म कर रही हूं तो वो अपने आप ही ऑटोमैटिकली कृष्ण को अर्पित हो रहा है तो आपको अलग से वो चेतना डेवलप नहीं करनी पड़ रही है कि अरे अभी मुझे भगवान को सारे फल देने पड़ेंगे अपने नियमित कर्मों के तो ये है अपने आप ही इतना स्वाभाविक ही है कि अगर आपके मन में नहीं भी है लेकिन आपने अगर भगवान का स्मरणम किया है तो अपने आप ही वो सारे नियमित कर्म जो है वो भगवान को ऑटोमेटिकली अर्पित हो जाते हैं आपने पूरा यज्ञ कर लिया है तो इसलिए कह रहे मई अर्पित मनोबुद्धेर तो कृष्णा कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा स्मरणम करते रहोगे तो क्या होगा आ, कि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम मुझे ही नहीं तुम्हें मुझे सॉरी तुम्हारा जो नियमित कर्म है वो आप मुझे अर्पित ही नहीं कर रहे हो लेकिन आपके मन में या आपका जो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी मुझे अर्पित हो जाता है और प्रा� अर्पित बुद्धि मन और बुद्धि दोनों अर्पित हो रहे हैं मेरा स्मरणम करते हुए और इस तरह से जैसे मैंने पहले भी कहा कि बुद्धि बुद्धि में जो है मन में है ना मेरे बहुत काम वासनाएं हैं तो वो सारे काम वासनाएं भी मैं क्या कर रहा हूँ भगवान के श्री चरणों में रख रहा हूँ अर्पित कर रहा हूँ तो जो मन है बुद्धि है वो भी भगवान को अर्पित हो जाएगी और जब मैं जब जब मैं ऐसे कर रही हूं तो अः हमारे जीवन में जो है हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं और फिर जो है हम जो है सिर्फ कृष्ण के लिए ही जी रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक ही है कि अः कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जी रहे हमारा सारा फोकस जो है वो भगवान पे ही रहेगा और अगर बारंबार हमारा फोकस भगवान पे रहेगा तो फिर क्या होगा अपने आप ही माम एवस्य असंशयम भगवान के पास तो इसलिए जो आप देखिए प्रभुपात जो है तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही अः इंपॉर्टेंट उपदेश है अर्जुन के लिए तो कह रहे हैं कि जितने भी मनुष्य हैं तो जितने भी भौतिक कार्य में वो लिप्त है तो अगर जो है अगर हम सारे भौतिक कार्य में अगर लिप्त है लेकिन जब हम भौतिक कार्य में लिप्त होने के बावजूद भी अगर हम कृष्ण का स्मरण हम करते रहेंगे और कृष्ण का स्मरण कैसे करेंगे साधना भक्ति के द्वारे द्वारा है ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अः कि इसके माध्यम से हम जब जो कर्म कर रहे चाहे हम अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे अपने आप के लिए कर रहे अपने जो है और हम उसमें भी भगवान का अगर हम स्मरण हम कर रहे हैं तो, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम अपना विशेष जो है समय भगवान के लिए दे रहे हैं राइट तो अः हमारा जो है हम अगर विशेष समय भगवान के लिए दे रहे हैं तो जो है हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन जो हो रहा है वो बहुत ही क्वालिटी कनेक्शन है भगवान के साथ क्यों क्योंकि हम लोग जो है वो भगवान को समय दे रहे हैं और क्योंकि हम भगवान को वो समय दे रहे हैं तो कृष्णा जो है हमारे चेतना में बिल्कुल आगे खड़े है, है ना तो हम किसको इंपॉर्टेंस इम्पोर्टेंस दे रहे कृष्ण को दे रहे हैं और कृष्णा जो है बिल्कुल बोलते ना कि मेरी चेतना के जमीन पर बिल्कुल आगे खड़े हैं, है ना तो फिर इस और फिर आ, उसी समय अगर हम प्रार्थना करेंगे हम ध्यान करेंगे भगवान का और हम भगवत गीता पढ़ेंगे हम अर्च विग्रह की सेवा करेंगे और भक्तों का संग करेंगे और यात्राएं करेंगे या मंदिर जाएंगे और जो है निरंतर अगर हम ये सारे कार्य कर रहे हैं तो कृष्ण बारम बार हमारी चेतना के ग्राउंड पे जो है हमेशा आगे रहेंगे हर बार वो आगे रहेंगे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं तो हम जो है आ, आ, हमेशा जो है वो आगे रहेंगे अः और जो है कृष्णा आगे भी रहेंगे और कृष्णा पीछे भी रहेंगे अगर आगे रहेंगे तो हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं लेकिन पीछे हमको पता है कि अरे मैं हरिकृष्ण महामंत्र जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ मैं ये जो सेवा है मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ है ना तो इसलिए जो है ये जो हमारी चेतना का जो ग्राउंड है इसको क्या कहते हैं भूमि है या ग्राउंड है उसमें जो है हम हमेशा भगवान का आगे से भी और पीछे से भी स्मरणम करते रहेंगे और जब हम ये स्मरणम करते रहेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि तुम समशे मत रखो तुम क्या करोगे तुम मेरे पास ही आओगे तुम और इसलिए जो है प्रभुपाद ने भी बोल रहा कहा प्रभुपाद भी कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग हमें दिया गया है तो ये हमें आजीवन दिया गया हुआ है यहाँ पे और हमारे पास बहुत सारी कमियां होगी और हमारे पास बहुत सारे बोलते हैं ना कि ऐप होंगे लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है जैसे जैसे धीरे धीरे हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे धीरे धीरे हम शुद्ध भी होते जाएंगे और जो है हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो अब जो है तो हम अभी ये बताया हुआ है कि भगवान का स्मरण करते करते क्या मिलेगा अः भगवान का स्मरणम कैसे कर सकते हैं सॉरी है ना हम हम हमेशा भगवान का आ, कैसे कर सकते हैं क्योंकि कह रहे सर्वेशु, कालेशु, और तो तुम जो है आ, हमेशा मेरा स्मरणम करो और मेरा स्मरण करते करते तुम अपने नियमित कर्म करो माम अनुस्मर युद्ध क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तुम्हें लड़ना है और मई अर्पित तो मनोबुद्धिर जब तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित करोगे तो फिर क्या है तुम तुम्हारी जितने भी एक्टिविटी है जितने भी कार्य है वो भी मुझे अर्पित करोगे और माँ में और फिर ये सब करने से तुम तुम संशय मत रखो कि तुम मेरे पास नहीं आओगे नहीं तुम जो है निसंदेह मेरे पास आओगे बिल्कुल तो अब जो है इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे पास आओगे तो अब जो है ये आठवा वाला श्लोक जो है आगे तो कह रहे कि अः कैसे जो है मैं भगवान का स्मरणम बारंबार कर सकता हूँ मैं हमेशा कर सकता हूँ और जो है आ, मैं हर मिनट भगवान का स्मरणम कर सकता हूँ तो कह रहे कि अभ्यास योग युक्त न चेत सा अन्य गामिना परम पुरुषम दिव्यम याती पार्थ तो कह रहे हैं कि हे पार्थ जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है इस इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महानता पर बल दे रहे हैं देखिए वेरी इंपॉर्टेंट देखो प्रभुपाद की ना एक टेक्निक है ठीक है ना उनकी टेक्निक क्या है कि जो कुछ भी उनको महत्वपूर्ण कहना होता है ना वो पहले ही पैराग्राफ में बोल देते हैं जो कुछ भी बोलना है उनको फर्स्ट पैराग्राफ में बोल देते हैं। और एक और टेक्निक है प्रभुपाद की अगर आप तात्पर्य बहुत ध्यान से अगर पढ़ रहे हो ना तो आप देखो ये जितने भी पहली लाइन है अभ्यास योग युक्तें न तो वो पहले ही पैराग्राफ में उसकी चर्चा कर देंगे फिर कह रहे हैं कि चेतसा नान्य तो फिर उसकी जो है दूसरे पैराग्राफ में करेंगे दूसरे तीसरे इसमें कर देंगे और फिर बाकी के जो है परम पुरुष दिव्य राधक तो बाकी जो है वो उसी लाइन में नीचे नीचे आगे करते जाएंगे तो इस तरह से प्रभुपाद की टेक्निक यही है कि वो क्या करते हैं ये दो तीन शब्दों का लेकर चार लाइन होती है ना अभी आप देखोगे चार लाइनों का श्लोक होता है तो पहली लाइन है ना पहले दूसरे इसमें करेंगे दूसरी लाइन दूसरे तीसरे इसमें कर देंगे पैराग्राफ में करेंगे और चौथी चौथे चौथ चौत में इसमें इस तरह से ना प्रभुपात जो है पूरे श्लोक का अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन या है, समझाते हैं इस तरह से ये प्रभुपात की टेक्निक है तो आइए जरा कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरणम किए जाने की महानता पर बल देते हैं महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है पुरुषम का अर्थ भोक्ता है यह देवी सारे जी भगवान की तटस्थ शक्ति है किंतु वे भौतिक कलमज से युक्त है वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं है यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूप तथा नारायण वासुदेव आदि स्वांचो के रूप में परम भोक्ता है भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का इनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जब करते रहने से जीवन के अंत में वह को जाता है। योग के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है मन चंचल है अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया गया बलपूर्वक यानी फोर्सफुली है ना जबरदस्ती करना है मन को कृष्ण के चिंतन में लगाना प्राय उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना, बनना चाहता है और इसी जीवन में तितली बन जाता है इस प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्णा जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे ये कीट है वो तितली क्यों बना हुआ है है ना बार बार वो चिंतन कर रहा है ना कि मैं तितली बनूंगा मैं तितली बनूंगा तो उसी तरह मैं कृष्ण के पास जाऊंगा कृष्ण के पास जाऊंगा तो कृष्ण जैसे ही गुण हमें मिलेंगे कृष्ण जैसे दयालु कृपालु बिल्कुल विस्तार वाली बुद्धि है उनकी कृष्ण में कोई ईर्षा नहीं है कृष्ण में कोई द्वेष नहीं है कृष्ण कोई अहंकार नहीं है वैसे ही गुण गुणों की प्राप्ति हमें भी आ, होगी तो अब जो है यहाँ पे आ, क्या कह रहे हैं कि आ, अभ्यास योग युक्त न भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास के माध्यम से अभ्यास योग युक्ते न जो कोई भी अभ्यास करता है किसका अभ्यास करता है स्मरणम करने का अभ्यास कर कि अभी चल रहा है क्या है ना तो अभ्यास करेंगे योग मतलब क्या योग मतलब आप जो है भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो है ना लिंक विद द सुप्रीम तो ये जो है तीन शब्द अभ्यास योग युक्त तो ये जो है अभ्यास जो है वो भक्ति योग का भी हो सकता है अष्टांग योग का भी हो सकता है ज्ञान योग का भी अभ्यास हो सकता है अभ्यास अलग अलग पंथों का भी हो सकता है है ना तो फिर कह रहे हैं चेतसा नान्य गिना तो कह रहे हैं कि अः यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण है कि ये जो अभ्यास है ये अः ये जो चेतस चेतसा, चेतसा मतलब चेतना आपकी चेतना मतलब आपकी जो भी चेतना है तो वो क्या है नान्यगामिना नान्यगामिना मतलब कि ये कहीं पे भी, भी जानी नहीं चाहिए या कहीं और जगह भी जानी नहीं चाहिए कि चलो मैं इधर भी जाऊं और उधर भी जाओ और ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है नहीं और फिर यही चेतना कहाँ पे लगानी है हमें यही चेतना जो है हमें अः परमम पुरुषम दिव्यम इन पे लगानी है हमें है ना और कह रहे हैं कि तब जो है अगर हम अभ्यास करेंगे किसका अभ्यास करेंगे कि हम हमारा जो मन है और हमारी चेतना है परम पुरुष पे लगाएंगे बार बार यही अभ्यास करेंगे कि हम अपनी चेतना परम पुरुष पे लगाएंगे तो फिर क्या होगा तो फिर जो है व्यक्ति याति पार्थ अनुचित फिर वो जो है वो मेरे पास आएगा जब वो ऐसा चिंतन करते करते वो जो है वो दिव्य स्तर पे पहुंच जाएगा तो वो मुझे प्राप्त करेगा वो मुझ परम पुरुष को प्राप्त करेगा क्योंकि अः अनुचितन किया हुआ है उसने अनुचितन मतलब क्या कि उसने बिल्कुल स्थिर होके मेरा चिंतन किया हुआ है है ना क्योंकि बोलते ना कि आ, चिंतन मतलब क्या कि चिंतन मतलब स्थिर चिंतन ये नहीं कि आज किया और कल नहीं किया और परसों नहीं किया इस तरह से नहीं है तो कृष्ण यहाँ पे फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि आ, परम सत्य पर ही चिंतन करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे और तुम अगर तुम्हारी चेतना जो है बिल्कुल उनपे फोकस करके रखोगे तुम अगर बिल्कुल स्थिर बुद्धि से जो है अगर परम पुरुष पे या परम परमात्मा पे जो है स्थिर रखोगे तो तुम बिल्कुल जो है आ, 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 परम पुरुष को प्राप्त करोगे अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अः कृष्ण जो है बोल कृष्ण क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि तुम परम पुरुष को प्राप्त करोगे थर्ड पर्सन क्यों बोल रहे हैं त्राहित व्यक्ति का क्यों बात बात कर रहे हैं भगवान वो तो कह रहे ना कि तुम मुझे बड़ा सरलता से कह सकते थे ना कि तुम मुझे को प्राप्त करोगे तो कह रहे हैं कि वो जो है वो अपने आप को संबोधित नहीं कर रहे हैं वो वहां पे तीसरे व्यक्ति को संबोधित करें। कर रहे और कृष्णा ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने गीता में अलग अलग जगहों पे जो है अः अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग स्पष्टीकरण किया हुआ है तो कृष्णा जो है जब कोई मार्ग बता रहे हैं तो वो किसी कोई बोलते हैं ना वो मार्ग को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देख देख रहे हैं तो फिर वो जो है जैसे जब वो कोई अष्टांग योगी के बारे में बात कर रहा है तो फिर वो अष्टांग योगी कह रहे कि वो कह रहे कि अष्टांग योगी को पता नहीं है कि कृष्ण ही परम पुरुष है अष्टांग योगी जो है वो ध्यान कर रहा है फिर वो अंदर यू नो अंदर की तरफ मुड़ रहा है प्रत्याहार है फिर क्योंकि प्रत्याहार मतलब क्या प्रत्याहार मतलब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हो भौतिक जगत से बाह्य जगत से और फिर जो है आप अंदर की जो वास्तविकता है उसके साथ आप कनेक्ट कर लेते हो तो इसलिए जो है भगवान जो है आ, 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 बार बार इसलिए यही कह रहे हैं कि आ, जो है तुम वास्तव में जो है बोलते हैं कि वास्तव में जो है तुम जो अंदर के परमात्मा है उसको आप प्राप्त करोगे जो है तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है अः अः वो वास्तविकता प्राप्त करेगा लेकिन उसकी जो अस्तित्वता है उसको वो प्राप्त नहीं करेगा जैसे मेरा अस्तित्व क्या है कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा जो भगवान का अंश है और क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है वो भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है राइट ये हमारी आइडेंटिटी है ये हमारी पहचान है राइट तो फिर जो है आ, फिर कह रहे कि जब तक भगवान इस चीज को अः बोलते ना इस चीज का खुलासा नहीं करते हैं तब तक वो वाला जो योगी है ना वो यही सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मैं ध्यान मेरे अंदर के परमात्मा पे कर रहा हूं और बाहर जो है वो अलग है तो इसलिए जो है कभी कभी जो है मैं समझ मैं बोलते ना कहते हैं कि एक, एक एक अगर हम भक्ति में जब आते हैं ना तो कहते हैं कि हम जब ध्यान करते हैं तो हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक ध्यान करते हैं कि हम क्या ध्यान कर रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ और फिर हम समझ सकते हैं कि हाँ वहां पे एक भगवान है और कि वहाँ पे एक परम भगवान है वो भी एक व्यक्ति है है ना और वो जो परम परम सत्य जो है वो कौन है वो श्याम वर्ण है वो एक ग्वाल ग्वाल के रूप में है जो श्याम सुंदर रूप में एक Uh, uh, कौन सा एक मोर पंख पहने हुए है उनके हाथ में एक बांसुरी है और वह त्रिभंग रूप में खड़े हुए है और uh, ना, ये जो चीजें है ना हम सिर्फ मनोधारणा से इंट्रोस्पेक्शन से नहीं समझ सकते हैं या मेडिटेशन से या ध्यान से नहीं समझ सकते हैं इस इस साक्षात्कार के लिए जो है हमें भगवान के अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है आ, और न, न, और जो है जब हम भगवान की अगर बोलते ना पहचान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान एग्जैक्टली exactly है कौन और उनकी क्या पहचान है तो आ, थोड़ा कुछ बोलते ना कि रहस्य रहस्य शोधन की जरूरत है सेल्फ रेवलिएशन की जरूरत है या इसकी जरूरत है कि भगवान खुद ही आपको जो है वो साक्षात्कार दे तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि पुरुषम परम परम पुरुषम दिव्यम तो जब हम अभ्यास योग से जो है अभ्यास करेंगे अभ्यास योग युक्त न तो बार बार अगर अभ्यास करेंगे तो फिर जो है आप उस परम पुरुष को प्राप्त करोगे तो चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी मेरा स्मरण करेगा वो मेरे पास आएगा आठवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी उनका मन मेरे पे फिक्स करेगा तो वो मेरे पास आएगा इसलिए तुम तुम्हारा जो मन है मुझ पे स्थिर करो और इस तरह से जो है आप मेरे पास आओगे आलोक प्रभु शायद आप स्क्रीन पे कुछ कर रहे हो मेरे ख्याल से सारे रेड रेड मार्क्स आ रहे हैं तो इसको जरा ये कर दीजिए उसको जरा बंद कर दीजिए और फिर जो है कह रहे हैं कि अः और फिर अब जो है छठे श्लोक में भी ये कह रहे हैं कि जो कोई भी अपना मन मुझ पे स्थिर करेगा वो मेरे पास आ जाएगा इसलिए तुम अपना मन जो है मेरे पे स्थिर कर दो तुम मेरा चिंतन करते करते जो है तो ये सारा है ना भक्तों के लिए है जिनको पता है कि कृष्णा ही परम भगवान पुरुषोत्तम है तो जब कृष्णा ने इस तरह से कहा कि तुम परम पुरुषम दिव्यम का स्मरणम करो तो वो जो है अष्टांग योगी को नहीं पता है कि परम भगवान पुरुषोत्तम कृष्णा है तो अष्टांग योगी जो है वो किस पे ध्यान करेगा परम पुरुष पे ध्यान करेगा और फिर यही अष्टांग योगी जो है परम पुरुष को प्राप्त करेगा तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भक्त है जो निरंतर भगवान को भगवान का स्मरणम कर रहा है ठीक है ना भक्त हरे कृष्ण का जब करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का इनके किसी भी रूप नारायण कृष्ण रामादि का निरंतर चिंतन कर सकता है और प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो राम के बारे में सोचो नारायण के बारे में सोचो तो कह रहे क्या क्यों ऐसे कह रहे प्रभुपाद है ना और ये कैसे संभव है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो तुम राधा रानी के बारे में सोचो कृष्ण के बारे में सोचो तो कह रहे हैं, कह रहे हैं है है कि मतलब है, तो तो है आप देखो ना कि एक साइड पे प्रभुपत कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब करो एक साइड पे प्रभुपत कह रहे हैं कि तुम भगवान को नारायण कृष्ण है ना के रूप में भी सोच सकते हो जब आप हरे कृष्ण महामंत्र है कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र जब करो और तुम राम के बारे में सोचो तुम नारायण के बारे में सोचो और फिर जो है तुम अगर हरे कृष्ण का जप करोगे तो तुम किसके बारे में सोचोगे तुम कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बारे में सोचेगी क्योंकि हरे मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण मतलब तो कैसे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो हम किसी और रूप का चिंतन कैसे कर सकते हैं तो हमें एक्चुअली ये समझना चाहिए कि आ, जो है आ, एक है यूनिवर्स उसको क्या कहते हैं एक्चुअली पूरे जो है यूनिवर्सली हमें सोचना है और ये भक्ति की जो गुहे गुह सिद्धांत को भी हमें समझना है कि यूनिवर्सल एस्पेक्ट क्या है इसका कि जो है आ, कि अगर मैं अगर हरिकृष्ण महामंत्र कर रहा हूं तो मुझे पवित्रता मिलेगी और अगर मैं पवित्र हो जाऊंगा तो फिर क्या है मुझे जो है जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं मुझे उससे छुटकारा मिलेगा मुझे जितनी भी मेरी भौतिक इच्छाएं हैं और जो कुछ भी मैं अपने भौतिक अस्तित्व से मेरी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो रही है तो ये जो है ये सारे में इससे मुक्त हो जाऊंगा और फिर इसकी जितनी भी जितने भी परिणाम है ये सारे अच्छे ही हो जाएंगे तो जब तक मैं एक जीरो पॉइंट पे नहीं आ जाता हूं तो मैं वन पे नहीं पहुंच सकता हूं तो उसी तरह जब तक मैं भौतिक भौतिक धारणाओं से मैं अगर मुक्त नहीं होता हूं, तो मैं आगे भक्ति में बढ़ नहीं सकता हूं तो इसलिए जो है आ, कह रहे हैं कि आ, जो है धीरे धीरे नेगेटिव आ, नकारात्मक साइड से भगवान हमें सकारात्मक सकारात्मक साइड से ले जा रहे हैं तो तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जितने भी भौतिक धारणाओं से और भौतिक बोलते ना मनोधारणाओं से या भौतिक अः सपन से जो है वो जो है लेके जा रहे हमें वास्तविक सत्यता की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि एक साइड पे सारी भौतिक चीजें है मेरी भौतिक धारणाएं है मेरे भौतिक इच्छाएं है लेकिन दूसरे साइड पे वैकुंठ है है ना दूसरे साइड पे गोलोक है तो मैं कहीं भी भी जा सकता हूँ मैं वैकुंठ में जा सकता हूँ मैं गोलोक जा सकता हूँ मैं मथुरा जा सकता हूँ द्वारका जा सकता हूँ वृंदावन भी जा सकता हूँ तो ये सारी जो है अलग अलग चीजें है ये कॉमन है इसमें कि भाई हरे कृष्णा महामंत्र का जब करना है मुझे और मेरी स्वरूप की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाएगी इसलिए जो है मैं हरे कृष्ण महामंत्र जो है मैं कर रहा हूं तो मैं जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग लोग भी आते हैं ना जिसको राम पे श्रद्धा है जिसे जिसको विष्णु पे श्रद्धा है तो इसलिए जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप जो कोई भी आपके इष्ट देव उसका स्मरण करते रहो और धीरे 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 आप एक पॉइंट पे इस तरह से आ जाओगे कि धीरे धीरे आप श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का जो है वो रूप का ही आप जो है चिंतन करते जाओगे और इसलिए जो है अः यहाँ पे परम पुरुष के बारे में कहा गया है कि तुम मेरा ही चिंतन करो तो तुम मुझ मुझे को ही प्राप्त करोगे और अगला जो, जो, जो अभी जो है हम लोग ने आठ श्लोक जो है हम लोग ने पढ़े है ठीक है ना और समझने का कोशिश भी की हुई है लेकिन नौवे श्लोक में से है हमारे पास जो है अः भगवान जो है मार्ग देंगे कि कैसे योग मिश्र भक्ति से कोई भगवान को याद कर सकता है और चौदहवें श्लोक से बताएंगे कि कैसे अः कोई व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति के माध्यम से भगवान को याद कर सकता है तो हमें योग मिश्र क्योंकि हमें जानना है कि क्या हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं क्या हम योग मिश्र भक्ति कर रहे हैं अब हमारे पास हमारा चेक पॉइंट है कि क्या मैं योग मिश्र भक्ति कर रहा हूं तो क्या मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ भाई मैं कर क्या रहा हूं मैं आ तो गया हूं इस कौन में लेकिन मैं क्या कर रहा हूं तो इस तरह से जो है आ, मैं ऐसे नौ प्रकार है जिसके माध्यम से हम भगवान का स्मरणम कर सकते हैं और फिर जो है इस नौ प्रकार के स्मरणम से जो है ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नहीं है ये अलग है नौ प्रकार के जितने भी जो है तरीके भगवान को याद तो और फिर जो है इसके लिए योग्यताएं क्या चाहिए इसका परिणाम क्या होगा इसका मार्ग क्या है और इसका आखिरी गंतव्य क्या है ये सब हम जानेंगे अगले सत्र में तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो प्रश्न है हरे कृष्ण माधव जी हरे कृष्ण प्रभु जी हाँ पूछिए मेरा एक प्रश्न है भरत महाराज अंत समय में हिरण का स्मरण किए तो हिरण में उनका अगला शरीर मिला उनको लेकिन वो हर समय तो वैसे पहले तो भगवान का ही स्मरण कर रहे थे मेरा संशय नहीं है लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश चाहता हूँ यस yes, यस yes, यस yes, यस yes, प्रभु जी प्रभु जी मैं समझ गई एक्चुअली ये ना आप स्पष्टीकरण चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले तो महाराज भरत जो भाव लेवल पे पहुंच गए थे और फिर उनको हिरण का स्मरण अगला शरीर उनको हिरण का मिला तो इसमें है ना प्रभुपाद ने ना अः पांचवें स्कंद में भागवतम के उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने यह स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान की जब विशेष किसी वक्त पे विशेष कृपा होती है और किसी वर्ष कोई वक्त जो है किसी चीज में आसक्त हो जाता है तो भगवान जो है फिर भी अपनी कृपा बरसाते हैं और उसको जो अगला शरीर मिला ना भरत महाराज को उस अगले शरीर में भी मृग के शरीर में भी भगवान ने इतनी अनुकंपा की थी कि वो भगवान को भूले नहीं थे उस शरीर में भी वो जो है भगवान को भूले नहीं और उन्होंने निरंतर उस शरीर में भी भगवान का चिंतन किया हुआ है तो फिर जब हिरन के शरीर में जब भरत महाराज ने भगवान का चिंतन किया तो फिर अगला शरीर उनको मनुष्य का मिला जड़ भरत के रूप में और फिर जड़ भरत के रूप में उन्होंने जो है भक्ति को कंप्लीटली कंप्लीटली पूर्णतया पूर्ण करके फिर वो भगवत धाम गए हुए है भगवान के धाम तो इसमें है प्रऊपांत तात्पर्य में ये भी लिख रहे हैं कि जब आ, किसी आ, एक सेकेंड ना मुझे एक्चुअली वो वाला श्लोक में आपको बताती हूँ कौन सा वाला श्लोक है वो अः वो है हुँ. एक सेकंड ना मुझे वो श्लोक मैं ढूंढ रही हूँ प्रभु जी एक ही सेकेंड पांचवे अध्याय के सॉरी पांचवे स्कंद के आठवा अध्याय अध्याय का सत्ताइसवा UH श्लोक पांच आ सत्ताईस हम ना एक्चुअली प्रभुपाद का देखेंगे ना तो और ज्यादा प्रभु जी इस, इस पे स्पष्टीकरण हो जाएगा मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ प्रभु जी देखिए कह रहे हैं कि मृत्यु के समय सॉरी ये अभी इसको जरा हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूं मैं हम्म तो कह रहे भरत महाराज के हिरण शरीर प्राप्त करने और दूसरों के मृत्यु के समय उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करने के बीच अंतर था मृत्यु के बाद अन्य लोग वह सब कुछ भूल जाते हैं जो कुछ उनके पिछले जीवन में हुआ था लेकिन भरत महाराज नहीं भूले पिछले जन्म का भरत महाराज हिरण के शरीर में नहीं भूले थे और फिर प्रपद ये यम यम वापिस मरणम तो शरीर त्यागने पर व्यक्ति जिस अवस्था में तो शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति को मृत्यु के समय उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार दूसरा शरीर मिलता है मृत्यु के समय व्यक्ति हमेशा उस विषय वस्तु के बारे में सोचता है जिसमें वह अपने जीवन भर डूब रहा हो इस नियम के अनुसार चूंकि भरत महाराज सदैव हिरण के बारे में सोचते रहते थे और भगवान की पूजा भूल जाते थे इसलिए उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त हुआ अब देखिए हालांकि भक्ति सेवा के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के कारण वे अपने पिछले जीवन की घटनाओं को नहीं भूले इस विशेष आशीर्वाद ने किसके आशीर्वाद है भगवान के। इस विशेष आशीर्वाद ने उन्हें और अधिक पतन से बचा लिया भक्ति सेवा में अपनी पिछली गतिविधियों के कारण वह हिरण के शरीर में भी अपनी भक्ति समाप्त करने, करने के लिए दृढ़ हो गए इसलिए इस श्लोक में कहा गया है मृतम यदि अप्य मृत्यु उनकी मृत्यु हो गई थी अनुबाद में न मृत्यु तो फिर वह अपने पिछले जीवन की घटनाओं को नहीं भूले जैसे अन्य लोग उन्हें भूल जाते हैं ये है भगवान की विशेष ये नो कृपा उनपे कि वो अपने पिछले जन्म का कुछ भी नहीं भूले थे कि वो कैसे हिरण से आसक्त हो गए थे पहले उन्होंने जितना कुछ भक्ति किया हुआ था भाव लेवल तक पहुंच गए थे तो वो भी वो नहीं भूले फिर उनको अपनी भूल के बारे में पता चलिए अच्छा मैं हिरण का स्मरण हम कर रहा था इसलिए मुझे ये हिरण का शरीर मिल रहा था तो कहा यह सिद्ध है कि परम भगवान की कृपा से भक्त कभी पराजित नहीं होता भक्ति सेवा की जानबूझकर उपेक्षा के कारण एक भक्त को थोड़ा समय के लिए दंडित किया जाता है लेकिन वो फिर से अपनी भक्ति सेवा को पुनर्जीवित पुनर्जीवित करता है और घर वापस भगवान के पास लौट जाता है तो प्रभुजी, आपके आपके प्रश्न का यही स्पष्टीकरण है प्रभु माध्यम से मैंने दिया हुआ है प्रभु जी प्रभु जी और कुछ स्पष्टीकरण करना है आपको इसी पर तो आप पूछ सकते हो प्रभु जी नहीं माता जी ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है आलोक चौधरी प्रभु हरे कृष्णा माता जी माता जी, आ, जी आ, आपने जैसे बोला कि भरत महाराज ने भक्ति की और वो लास्ट समय में हिरण का स्मरण किया तो वो हिरण बन गए और फिर हिरण की योनी से निकल के वापस उनको शरीर का मतलब वो मनुष्य का शरीर मिला जो जड़ भरत के रूप में तो ये तो मतलब पशु से मनुष्य योनि में आए तो ऐसा वो एक्चुअली ये विशेष मतलब स्पेशल केस था उनका कि उनको याद था तो वो उस तरीके से रहे होंगे पशु योनी में जिससे उनको मनुष्य शरीर मिला बट बाकी जो जनरल पशु होते हैं मतलब लाइक पशु से मनुष्य योनी मिल सकती है क्या क्योंकि वो तो स्मरण करते नहीं है तो कभी ऐसा होता है कि पशु योनी में एक बार चले गए या किसी और योनि में चले गए मनुष्य के अतिरिक्त तो वापस वो मनुष्य योनि में आ जाए हाँ हाँ, से तो आ, में तो अभी मनुष्य मानव तो शरीर कैसे होता होता हो, होता है, मतलब बहुत योनी में है, है। बहुत पॉसिबल है क्योंकि गाय की योनि के बाद ही फिर मनुष्य शरीर मिलता है क्योंकि पशु पशु की है ना मतलब कैटेगरी है कि तमोगुणी है सतोगुणी है या रजोगुणी पशु है तो प्राय सतोगुणी जो पशु में है तो वो सीधा मनुष्य शरीर ले लेता है और इसमें भी है कि मान लो कोई तमोगुणी पशु भी है लेकिन उसने भगवान का प्रसाद खाया हुआ है अज्ञात सुकृति उसकी कितनी यू नो डेवलप की गई है अगर मान लो कोई एक कुत्ता है किसी भक्त के घर में है या भक्त रोज उसको रास्ते में जाते जाते रोज प्रसाद खिलाता है तो फिर उस कुत्ते का अगला शरीर जो है वो क्या होगा वो मनुष्य शरीर मिल सकता है क्योंकि उसने भगवान का प्रसाद किया भगवान की कृपा पाई हुई है और भक्त के माध्यम से उसको वो मिली हुई है जैसे आप देखो ना चैतन्य महाप्रभु की कथा में जब कौन सी वो है शिवानंद सेन शिवानंद सैन के इसमें एक कुत्ता होता है तो वो कुत्ता भगवत धाम पहुंच जाता है लिटरली सभी लोग सभी भक्तों ने देखा कि वो कुत्ते के शरीर में से आत्मा निकलती है और भगवान के इसमें प्रवेश हो जाती है तो कुत्ते के शरीर में पॉसिबल है लेकिन उसके लिए भक्तों का संग प्रसाद कीर्तन ये सब होगा तो ही उसको अगला शरीर फिर मनुष्य शरीर मिल सकता है वरना नहीं मिल सकता है तो इसके लिए भी अनुकंपा चाहिए भक्तों की अनुकंपा अब हम लोग भी देखो ना जानवर ही थे ना पहले तो खा रहे थे पी रहे थे सो रहे थे हम लोग और क्या कर रहे थे तो जानवर से मनुष्य कैसे बने हम लोग मनुष्य शरीर में होते हुए भी हम लोग जानवर के कार्य कर रहे थे है ना तो लेकिन भक्तों की अनुकंपा हुई हम पे मरसी हुई कृपा हुई तो हमें भक्तों ने प्रसाद दिया भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए थोड़ा प्रेरित किया मंदिर आने के लिए प्रेरित किया गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया फिर हम लोग धीरे धीरे मनुष्य रूप से हम लोग सॉरी जानवर रूप से हम लोग मनुष्य बने तो क्यों नहीं हो सकता है जानवर के शरीर में भी आ, व्यक्ति को भगवान की कृपा मिल सकती है भक्तों के माध्यम से मिल सकती है और फिर और अब भरत महाराज का केस क्या है ना कि जो है भगवान ने थोड़े देर के लिए भरत महाराज को हिरण शरीर में दंडित किया था लेकिन भगवान ने स्मरण जो विस्मृति नहीं करवाई थी उनकी भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरे से ही आ, कौन सा है वो श्लोक पंद्रहवे अध्याय का कि कि कह रहे सर्वश्व चामृति संविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद वेदांत कृतव तो मेरे से ही स्मरण आती है और मेरे से ही विस्मृति आती है तो भगवान ने उनको विस्मृति नहीं दी थी भरत महाराज को उनको उनकी वो स्मरण शक्ति कंटिन्यू करवाई थी जैसे वो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद कर सके थोड़ी देर के लिए दंडित किया क्योंकि उन्होंने सोचा था हिरण के बारे में इसलिए फिर हिरण का शरीर मिला लेकिन उस हिरण के शरीर में भी भगवान की अनुकंपा क्या है मर्जी क्या है कि पिछले जन्म का उनको विस्मृति नहीं दिया था जनरल पब्लिक के लिए क्या होता है उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है अभी मुझे मेरे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है लेकिन हिरन के लिए वही कृपा थी कि उसको पिछले जन्म का सब कुछ याद था कि मैं क्या भक्ति करता क्या नहीं और उस शरीर में भी उसने भक्ति की हुई है वो घास फूस पे रहता था एकादशी का व्रत भी करता था और जितने भी संत साधु संत है उनका संग भी करता था ज, जहां पे जितने भी साधु संतों की कुटिया थी उनका आश्रम तो उनके बाहर ही जाकर जो जो वो कथाएं करते थे वो कथा भी सुनता था एकादशी का व्रत भी करता था और इसलिए फिर जब भरत महाराज को जब शरीर छोड़ने का टाइम आया हिरण के शरीर में तो फिर अगला शरीर फिर उनको फिर मनुष्य का मिला उस शरीर में उन्होंने जो है एक पशु के शरीर में जो कुछ भी उनके से पॉसिबल हो सका उन्होंने किया और भगवान की कृपा से फिर अगला शरीर उनको जड़ भरत का मिला और फिर जड़ भरत के शरीर में फिर उन्होंने अपनी भक्ति को पूर्ण करके भगवत धाम चले गए इस तरह से ठीक है ना माता जी? जी ये श्लोका जो हमें याद करने हैं वो लिस्ट नहीं है हमारे पास हाँ मैं भेजती हूँ माता जी आज मैं भेज देती हूँ ठीक है हुँ। ना मंजरी माता जी हरे कृष्ण माता जी माता जी जैसे कि हम लोगों ने फिफ्थ श्लोक आता है कि ये जान के हमें जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे तभी हम भगवान लास्ट टाइम में हमें भगवान के शरणागत होंगे या भगवान हमें याद याद लेकिन जैसे कि हम खंड जो भागवतम में एक आता है खंडवांग जो है उन्होंने एक क्षण में शरणागत हो गए भगवान का और उन्होंने भगवान की गति को भगवान के धाम पाए तो इसमें अंतर हम कैसे कर सकते हैं अभ्यास और शरणागति में हम कैसे मतलब समझ सकते हैं हम्म बहुत अच्छा प्रश्न था मैं सोच ही रही थी कि कोई ये प्रश्न पूछेगा सी देखिए ये खटवांग महाराज है ना लास्ट मिनट में उनको भगवान का स्मरण क्यों आया था क्योंकि खटवांग महाराज भगवान से के पहले ही भक्त थे ये नहीं था कि वो अभ्यास नहीं कर रहे थे वो ऑलरेडी अभ्यास कर रहे थे भगवान का नाम जब ऑलरेडी कर रहे थे लेकिन जब युद्ध छिड़ा था तो उसमें देवताओं की जीत हो गई थी तो देवता प्रसन्न हो गए तो उनको वरदान देने लगे कि आपको क्या वर चाहिए बताइए तो खटवांग महाराज ने पूछा उनको कि मेरा कितना समय रह गया बोले सिर्फ एक क्षण रह गया एक क्षण अभी देवताओं के लोक में एक क्षण यानी फोर्टी एट है तो आपके पास सिर्फ फोर्टी एट मिनट ही रह गए हैं। तो उसमें फिर क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अभ्यास किया हुआ था तो फिर तुरंत ही उन्हों ध्यान करने बैठ गए भगवान का तो ऑलरेडी वो भक्त थे ऑलरेडी उन्होंने अभ्यास किया हुआ था और इसलिए फिर वो मृत्यु के समय में खटवांग महाराज ने अपना मृत्यु को सफल बना लिया भगवान का चिंतन करते करते हुए ये बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि भागवतम में इसका स्पष्टीकरण हुआ है जो कोई भी भागवतम पढ़ रहा है उसके अंदर बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसमें में कि खटांग महाराज पहले से भक्त थे और वो अभ्यास कर रहे थे ऐसा नहीं कि बिल्कुल लास्ट मिनट में अभ्यास करना उन्होंने शुरू कर दिया था ठीक है ना माता जी थैंक यू हाँ आत्मदर्शिनी माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा हरेक शाम आते थे दलितों, मात्र जी आह जैसे भगवान के स्मरण की बात कर रहे हम लोग को हम जो प्रैक्टिस कर रहे हम जो बात ये हुई है कि जो जीवन पर्यंत प्रैक्टिस कर रहा है, है ना फिर हम एक दूसरी जगह ये भी बात करते हैं कि एक ऑथोराइज्ड संस्था में और बोनाफाइड गुरु के मार्गदर्शन में भी करना चाहिए पर कुछ उदाहरण ऐसे भी दिखाई देते हैं माता जी जहाँ ऐसा बोना फाइट तो नहीं था लेकिन लोग फिर भी कर रहे हैं ये कैसे समझ सकते माता जी मतलब उदाहरण माता जी माता जी जैसे मीराबाई है या संत तुकाराम है ये लोग तो किसी चार संप्रदाय को नहीं बिलोंग करते बट इनको तो ये तो भगवान को प्राप्त किए हैं और ऐसे एक डिमोटी है तो उनसे भी मैंने पूछा था तो वो बोले कि कोई सिंपल हार्टेड है और अगर पूरे टाइम नाम ले रहा है जीवन भर सिंपली भगवान का स्मरण कर रहा है तो उसको भक्ति प्राप्त होगी मीराबाई को मीराबाई को जीव गोस्वामी की कृपा प्राप्त हुई थी मीराबाई ने जीव गोस्वामी से मुलाकात की थी really तो इसीलिए अगर मीराबाई बोनाफाइड है और संत तुकाराम को तो चैतन्य महाप्रभु के खुद ही ये हुए थे दर्शन हुए थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे और उनसे मिले थे तो तु, संत तुकार को भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके मिले हुए इसलिए फिर आ, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई है संत तुकार एक ऐसे संत है जो भगवत धाम जाके भगवत धाम जाने के बावजूद भी जाने के बाद भी तीन बार वापस इस धराधल पर आए हैं वो एकमात्र ऐसे संत है कि बारंबार अपनी पुत्री के शादी विवाह के लिए आए हैं या श्राद्ध करने के लिए आए या तीन बार आ चुके हैं उसी देह में वापस आए हुए हैं और भक्तों ने देखा भी है ये सब मतलब आंखों देखा है ये। तो कहने का मतलब ये है कि इन संतों को भी भगवान की अनुकंपा मिली हुई है और गुरु मिले हुए है ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हुए है अगर मान लो ना कि फॉर एग्जाम्पल आप प्रामाणिक हो तो भगवान भी जो है ना भगवान की कृपा से आपको एक गुरु मिलेंगे क्योंकि गुरु की कृपा से फिर भगवान मिलेंगे भगवान डायरेक्टली हमें नहीं तो भगवान को वहां पे चिंता है कि अरे ये इसको मेरे प्रति भी श्रद्धा जागृत हो गई है अभी मेरी ड्यूटी है कि इसको किसी गुरु से मिलाओ में गुरु क्योंकि बिल्कुल व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसको गाइड कर पाएगा और इसलिए फिर इस माध्यम से जो है इन संतों को भी गुरु से डायरेक्ट अनुकंपा मिली हुई है आशीर्वाद मिले हुए हैं तो भगवान प्रामाणिकता देखते हैं और फिर गुरु भी सप्लाई करते हैं या गुरु भी गुरु से भी भेंट करवा देते हैं इन प्रामाणिक भक्तों को जैसे देखो ना क्या हम प्रामाणिक थे क्या नहीं थे लेकिन हम बिल्कुल बोलते ना मैं मैं हमेशा बोल आई एन एक्सीडेंटल डिवोटी मैं बिल्कुल एक्सीडेंट से डिवोटी बन गई हूँ मैं मैं बाय चॉइस डिवोटी नहीं बनी हूँ देखा हुआ था एमजी रोड पे नृत्य करते हुए और वहां पे मैं मैंने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ा था और वहां से थोड़ी सुकृति मिल गई भक्तों के माध्यम से या किसी के घर पे गए और मैंने सिर्फ प्रसाद ही खा लिए तो आई एम एन एक्सीडेंटल डिवोटी मैं बाय डिवोटी बाय चॉइस नहीं हूं मैं ये भक्तों को मिली हुई है अनुकम्बा माता जी ठीक है ना और जितने भी जितने भी प्रामाणिक लोग हैं जो भगवान जो सरल हृदय के और जो वास्तव में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना उनको भगवान गुरु से मिलाएंगे एक प्रामाणिक गुरु से मिलाएंगे मिलेंगे जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं प्रामाणिक गुरु की खोज में तो मुझे प्रामाणिक गुरु मिलेंगे अगर मुझे ढोंगी गुरु चाहिए तो फिर ढोंगी गुरु ढोंगी चेला नर्क में ठेलम ठेला तो अगर आप ऐसा चाहते कि गुरु मेरे हिसाब से चले तो आपको वैसे ही ढोंगी गुरु मिलेंगे और फिर यही ढोंगी और यही ढोंगी गुरु, गुरु और यही ढोंगी चेला नर्क में ठेलम ठेला करेंगे ठीक है हरे कृष्णा माता जी हाँ आरती मंजरी माता जी माता जी हम लोग का ना जो स्लोका का टेस्ट होना तो माता जी आप अनम्यूट हो गए फिर से हाँ जिन-जिन लोगों का फ्लो तो का टेस्ट रह गया है ना तो आपको जब भी समय आप मुझे वापस दे सकते हो ठीक है ना ठीके आप मुझे फोन करके कॉल कर लो कि अभी मैं तैयार हूँ तो लॉगिन करके हम लोग ले लेंगे टेस्ट ठीक है ना क्योंकि ये तो सब मेरे ही हाथ में है ना जी जी कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है तो माता जी आप ही एक डेट बता देते सभी लोग जितने लोग से आ जाते उसमें हां तो मैं अनाउंस करवा देती हूं मैं माता जी ठीक है ना तो किसी का अच्छा जी हो... ये हमारा जो इकाई दो का होगा मतलब एग्जाम ये होगा अभी जनवरी फरवरी में अच्छा नेक्स्ट जनवरी फरवरी में ठीक है ना अच्छा जी श्लोकास भेज दीजिए तो क्या है कि हम लोग को थोड़ा देर से याद होते हैं तो हम अच्छा मैं एक और प्रस्ताव रखना चाहती हूँ क्योंकि अभी जो मेरा इंग्लिश वाला बैच है ना उनका कार्तिक से पहले पहली इकाई खत्म होने वाली है तो क्या हम हमारी भी इकाई को थोड़ा जरा जरा ना तेज कर सकते हैं क्या सुबह में लेके शनिवार और रविवार को दोनों दिन हम लोग ने जितना मिस किया ना हम लोग कवर अप कर लेंगे कर सकते हैं क्या ऐसे कर सकते हैं माता जी मेरा तो कर सकते हैं है ना तो मैं यही सोच रही थी कि फिर दो दिन अपनी हिंदी की क्लास होगी और इस तरह से हम थोड़ा अपना भी प्रोसेस थोड़ा फास्ट जाता है कि सन्यासी आ रहे हैं ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं और फिर क्योंकि हम काउंसलर्स है ना और हमें हमारी हाजिरी नहीं होती ना तो फिर वो बदनामी वाली बात हो जाती है कि देखो काउंसलर है और सन्यासियों के क्लास में नहीं बैठे है काउंसलर है और इन इसमें भाग नहीं ले रहे है तो ये भी प्रॉब्लम हो गया है एक्चुअली तो इसलिए मैं सोच रही कि थोड़ा प्रोसेस थोड़ा हम लोग जरा तेज कर सकते हैं माता तो, जी नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी टू जी नेक्स्ट सैटरडे संडे हम लोग है नहीं यहाँ पर नहीं 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 नेक्स्ट सैटरडे संडे की बात ही नहीं हो रही है माता जी ये अच्छा, बात हो रही है मेरे ख्याल से दिसंबर से डिसम्बर अच्छा, के आसपास से हाँ दिसंबर के आसपास से क्योंकि okay. क्योंकि मेरा उनके साथ इकाई कंप्लीट ही होगा जस्ट कार्तिक यात्रा से पहले तो फिर कार्तिक यात्रा बोलो ना कार्तिक पूरा चला जाएगा तो दिसंबर के पहले हफ्ते से हम लोग शुरू करेंगे ये वाला सिस्टम ठीक है ना क्योंकि उनको फिर मैंने छुट्टी दी हुई है बिल्कुल जनवरी के शायद पंद्रह तक छुट्टी दी हुई है मैंने उनको क्योंकि उनकी परीक्षा उस टाइम पे होगी उनको बिल्कुल डेढ़ दो महीने का टाइम दिया हुआ है पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश वालों को तो हिंदी वालों को यहाँ से थोड़ा मैं स्पीडअप कर सकती हूँ है ना ठीक है शिल प्रभु जय गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा हरे